में, जिसके चलते हमने मार्केट में एक तरह का पैसिमिस्टिक मूव बनते हुए देखा है। बट एनी हाउ, अगर हम मार्केट से जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई रुचि मिलती रहेगी। तो उसी के तौर पे हमने ये वेबिनार का आयोजन किया है। तो ये वेबिनार को दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास जूम लिंक है वो आप डायरेक्टली जूम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट के बाकी भी फंडामेंटल हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, आप यूट्यूब पे भी हम लाइव है, तो मेरी टीम लाइव पे भी कमेंट्स देख रही है। इनकेस अगर आपकी कुछ क्वेरीज है कॉटन कॉटन कपास या इनके ऊपर, तो आप डेफिनेटली डालिए। आज के इस सेशन में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेटली एक्सचेंज एज ए पार्टनर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कभी भी जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के लिए एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन रहना बहुत जरूरी है। तो आज एनसीडीएक्स से हमारे साथ मिस्टर अजय हैं। आई होप अजय जी आप भी अपना अगर वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट। एंड अकोशिया से एज यूजुअल हमारे साथ सुधीर जी हैं, जो काफी एक्टिव माने जाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, खास करके व्हाट्सएप पे। एंड कोशिश उनकी ये रहती है कि हर तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो कॉटन मार्केट में बीसीपी जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है उनको अपडेट देते रहें। आज हमारे साथ मिस्टर संदीप येलुरकर भी हैं, जो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव उनको बुलाने का ये था कि अभी हम देख रहे हैं कि कंप्लायंस एक ऐसी चीज हो चुकी है कि आदमी बिजनेस से ज्यादा कंप्लायंस के पीछे लगा रहता है। और एज ए बिजनेस ओनर हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स होने चाहिए सो डेट हम इजीली हमारे बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं कि मेरा स्टॉक टू यूज रेशियो क्या बना हुआ है, जिसको भी पैसा देना है या लेना है उसका क्या सिनेरियो। तो ऐसे कुछ डैशबोर्ड्स मैं इनके साथ बैठा था, तो मैं भी काफी डैशबोर्ड्स यूज करता हूँ, तो संदीप जी ने काफी हेल्प भी की है उसमें। तो ऑब्जेक्टिव यही था उनको लाने का कि एज ए एसएमई इंडस्ट्रीज हमको क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं उनके लिए। मेरी टीम से डॉक्टर हनीश सिन्हा जी भी है, जिनको 25 साल का एग्री मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो वो आज फंडामेंटल साइड कवर करेंगे। मैं टेक्निकल एंड मार्केट का ओवरव्यू का लेंगे, बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद एनसीडीएक्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट अजय जी के आपका जो भी प्रेजेंटेशन है आप ले सकते हैं। तो पहले 10 मिनट हम लोग एनसीडीएक्स के कुछ प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, वो क्या नया चीज है वो अजय जी बताएंगे। देन उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी से, एंड फिर सुधीर जी पूरे थीम के कॉटन मार्केट को हुआ क्या है कि 3,000 के ऊपर कपास जा नहीं पा रहा है, और नीचे सबकी उम्मीद थी कि 2,000 के नीचे चले जाएगा बट हुआ नहीं। अगस्त में हमने एक वेबिनार किया भी था जहाँ पे हमने देखा उम्मीद थी 2,300 से जंप करेगा, तो 2,300 से जंप करके 2,800 के आसपास की उम्मीद थी बट उसके अच्छा जाता हुआ दिखाई दिया। देन एक छोटा प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग एक Q&A रखेंगे, जहाँ पे इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है फिजिकल मार्केट को लेकर तो वो हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंटेशन ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एक्सचेंज को टाइम देने के लिए। मेरे पास जी, कुछ आपकी स्मॉल आवाज बहुत स्लो है थोड़ी, तो एक बार आप देख लीजिए। और प्रेजेंटेशन के मैंने आपको राइट्स दिए, इनके साथ प्रेजेंटेशन तो आप शेयर कर अभी सकते सर हैं। आई एम ऑडिबल? अजय जी आई एम ऑडिबल? परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट ना? सर। ओके, सो आई हैव स्मॉल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, वी हैव लॉन्च न्यू कॉटन कॉन्ट्रैक्ट, दिस 29 एम कॉटन कॉन्ट्रैक्ट इन अक्टूबर मंथ। सो वी हैव चेंज आवर कॉन्ट्रैक्ट, सो आई विल प्रेजेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉटन 29 एम कॉटन, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट कपास, हाउ क्लाइंट्स हु अजय जी, हम आर लोग नॉट, हिंदी में रखेंगे ये सेशन, तो जो भी अगर आपका रहेगा ओके तो सर, बेटर ओके ओके रहेगा। नहीं ठीक है। तो सर मेरे पास कॉटन का के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को अपने को चेंज करा है, क्योंकि मार्केट में अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो उतना लिक्विड नहीं है हमारे पास में, बट हमने जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन रखा हुआ है कॉटन का 29 mm का कॉन्ट्रैक्ट का, एंड हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कैसे हमारे पास में एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास में तीन कॉन्ट्रैक्ट है कॉटन कपास एंड कॉटन सीड ऑयल के, तो इंडस्ट्री उसमें कैसे कैसे पर्टिकुलर अपने आप को हेज कर सकती है। मैं स्मॉल प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट करूंगा। ओके सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपना और यस कंटिन्यू सर, कर। यस, माय स्क्रीन विजिबल सर?
बिल्कुल सर। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ 29 mm कॉटन कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ज्वाइन करा, एंड पर्टिकुलर केडीए कम्युनिटी से थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट को बताने में। सो अगर किसी की इसके बीच में कोई भी क्वेरी होती है तो हम क्वेरीज को लेंगे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉटन हो या कपास है, कॉटन सीड ऑयल के को। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कॉटन 29 mm कॉटन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप किसी भी ब्रोकर के पास देखिए तो कॉटन के नाम से आएगा, एंड ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली कॉटन वैल्यू चेन से। जैसे आप देखते हैं कि कपास की जो हम सोइंग करते हैं वो मंथ ऑफ जून जुलाई अप्रैल से लेकर अगस्त जुलाई तक की सोइंग स्टार्ट हो जाती है। कहीं पे साउथ में पहले हो जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में जून और जुलाई में होती है, पंजाब में सॉरी अप्रैल मई में हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पहले हो जाएगी, और जहाँ पे बारिश जो जहाँ सॉरी जहाँ पे रेन फेड के ऊपर नहीं है, मतलब इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, पंजाब एंड हरियाणा कुछ बेल्ट है वहाँ पे अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाती है। कुछ जो गुजरात और मेनली महाराष्ट्र की जो बेल्ट है जहाँ पे पर्टिकुलर रेन के ऊपर डिपेंडेंट है वहाँ पे मेनली जो खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है तब हो जाती है। तो ये पर हमारे पास में इसमें मैं पर्टिकुलर पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे एक्सचेंज क्या करता है, अप्रैल मंथ में हर अप्रैल मंथ में नेक्स्ट ईयर अप्रैल का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कपास के करके लॉन्च कर देता है। तो हमने देखा होगा कि अभी भी हमारे पास में कपास अप्रैल 2024 का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी अराउंड 1560 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। 1560 का मीन्स क्या है, उसका 20 kg का प्राइस किसी भी फार्मर्स को, FPOs को या ट्रेडर्स को, अगर उनको लगता है ये प्राइस ही है तो वो सेल करके चल सकता है, एंड पर्टिकुलर कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो पर्टिकुलर जो इस वैल्यू चेन में जो भी सोइंग के टाइम में आते हैं या फिर जो जीनर्स हैं वो अपनी रिस्क को यहाँ पे हेज करके चल सकते हैं, क्योंकि उनको पूरे 1 साल का वायदा मिलता है। और इसका कैसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जाते हैं तो कपास से, जब कपास के दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग रहती है, फर्स्ट जो भी प्लकिंग बोलते हैं, उसके बाद सेकंड प्लकिंग या थर्ड प्लकिंग आती है। आपकी तो स्लाइड मूव नहीं कर इसका रही है अजय। जो दो बाय प्रोडक्ट बनते हैं कॉटन, अभी करिए सर, सर नहीं आ रहे क्या अभी सर? हेलो सर, विजिबल? स्लाइड मूव नहीं कर रही है हेलो सर, आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही। व्हाट सर? ओके सर, विल चेक। हाँ राइट नाउ अभी आ विजिबल रही है। सर? यस बिल्कुल। सो मैं जैसे पहले सॉरी आई थिंक कुछ एनिमेशन से जो आई थिंक शो नहीं हो पा रहे होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इज कॉटन बेल्स, देन उसके बाद में हमारे पास में कॉटन जब इसकी जिनिंग हो जाती है तो कॉटन लिंट एंड कॉटन सीड अलग हो जाता है, एंड उसके जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं वो आते हैं कॉटन सीड ऑयल केक एंड कॉटन ऑयल एंड कॉटन बेल्स एंड टेक्सटाइल जो यार्न आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो NCDX एक ट्रेड होता है, उसके बाद में कॉटन लिंट मतलब जो कॉटन बेल्स का फ्यूचर वो भी ट्रेड हो रहा है, देन कपास कली का फ्यूचर जो है वो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, एंड अदर जो भी इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी वर्किंग हम कर रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट अपना दे सकते हैं, मे बी कॉटन ऑयल या कॉटन यार्न की बात करें। तो ये बात करते हैं आगे इसमें पर्टिकुलरली कि और कैसे इसमें जो भी पार्टिसिपेंट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि जो कपास का हमारा फ्यूचर है, यहाँ से आप कोई भी जो फार्मर्स है, ट्रेडर है या फिर मार्जिनर है, उसको जो लगता है कि कपास का फ्यूचर देखे पूरे साल के हिसाब से, फर्स्ट प्लकिंग, सेकंड प्लकिंग या थर्ड प्लकिंग के हिसाब से भी कपास का फ्यूचर हमारा अप्रैल 2024 में एक्सपायर होगा। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पिनर है उसको आज कपास लेना है पर कपास आज मिल नहीं रहा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट को बाई करके हेज कर सकता है, क्योंकि ये पूरे अप्रैल 2024 में अपना ये फ्यूचर एक्सपायर होना है। उसके बाद बात कर जाए कॉटन लिंट की या कॉटन बेल्स की, तो वहाँ पे भी हमारे पास में 29 mm का कॉटन का फ्यूचर है, उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। साथ में थर्ड बाय प्रोडक्ट आता है कॉटन सीड ऑयल केक, ये भी पर्टिकुलरली हेज करने के जो भी हमारे ट्रेडर्स या प्रोसेसर जो भी हैं जो जिन्हीं के साथ में प्रोसेसिंग भी करते हैं कॉटन सीड की, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। और साथ में इसके जो हमारे डिलीवरी सेंटर्स हैं, बात करी जाए सभी की, तो पहले मैं बात करता हूँ कपास का जो फ्यूचर है वो हमारा इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं पहले जोर देता हूँ कि इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है।
इसमें जो है डिलीवरीज नहीं होती है, पर स्पॉट के हिसाब से जब अप्रैल 2024 फ्यूचर का कटान आएगा वो कैश सेटल हो जाएगा स्पॉट के हिसाब। तो इसमें हमारे राजकोट के स्पॉट के हिसाब से इसका कटान रहता है। और उसके बाद बात करी जाए हमारा कॉटन सीड ऑयल के का फ्यूचर जो है वो अकोला के बेस में चलता है। मींस जो भी इसका प्राइस, जो भी फ्यूचर प्राइस जा रहा है, स्पॉट जो है इसका हम लेते हैं वो अकोला का स्पॉट लेते हैं। और एडिशनल डिलीवरी की बात करें तो कड़ी एक हमारा अलग सेंटर है जिसको हम एडिशनल डिलीवरी सेंटर दे रखा है। तो जो भी अगर कोई डिपॉजिट बाई या सेल करना चाहता है तो उसको डिलीवरी लेनी या देनी है तो अकोला में आएगी या फिर कड़ी में आएगी। उसके बाद बात करते हैं कॉटन बेल्स की। कॉटन बेल्स का भी हमारा जो बेसिस है वो राजकोट का है। एडिशनली जो हमने इसके सेंटर्स रखे हुए हैं वो हैं कड़ी एंड अकोला, और जलगांव भी हम इसमें जल्दी ऐड कर देंगे। तो जो भी पार्टिसिपेंट है, और इसमें जो हमारी रेंज है, रेंज का मीन्स क्या है कि कितने रेडियस में इसमें हमारा वेयर हाउस हो सकता है, तो 100 किलोमीटर के रेडियस में हमारा कॉटन बेल्स का वेयर हाउस हो सकता है। तो जिस भी पार्टिसिपेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना हो कर सकते हैं। और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है कॉटन के बारे में। आई थिंक और पार्टिसिपेंट काफ़ी ढंग से इसमें बताएंगे कि जो पर्टिकुलर इंडिया में जो कॉटन को बेस ऑन लेंथ के वो करके करा गया, वो 76% के अराउंड में लॉन्ग स्टेपल्स आते हैं, और मीडियम अराउंड 20% आता है, शॉर्ट एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग जो अराउंड लेस देन 1% के अराउंड में आता है। पर्टिकुलर जो प्राइस ड्राइवर्स की बात करते हैं तो अभी मेनली तो डिमांड डिमांड एंड सप्लाई का जो भी गैप्स है उसके ऊपर है, एंड देन वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डीमैट स्टॉक जो भी रहता है उसके ऊपर ही मैक्सिमम जो कॉटन एंड कॉटन सीड ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो होवर करते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूंगा कि मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मे बी अदर पार्टिसिपेंट इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। सो भाई कॉटन फ्यूचर, एक्चुअली कॉटन फ्यूचर इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री में देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑल्सो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कॉटन फ्यूचर जितना रोबस्ट ही जो भी इंडस्ट्री में जो भी सारे वैल्यू चेन, एंड सेकंड बात की जाए तो प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन, दो टूल्स में कॉटन फ्यूचर सबसे बड़ा हेल्प करेगा इंडस्ट्री के लिए। एंड प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एंड अट्रैक्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी इन्वेस्टर है उसमें कॉटन इंडस्ट्री को इंटैक्ट करेगा। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो कि कॉटन फ्यूचर के लिए क्यों रिक्वायर्ड है। सो मैं ज़्यादा उतना टाइम लूंगा आपका, एंड अब बात करते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसे इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है, कैसे इसमें लोग पार्ट कर सकते हैं। सो अभी जो हमने 29 mm का कॉटन फ्यूचर जो लॉन्च कर रखा है वो उसका टिकर सिंबल जो भी दिखेगा कॉटन के नाम से दिखेगा, बेसिस राजकोट दिखेगा, एंड इसके यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो है 25 bales हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो भी इसमें ट्रेडिंग रहेगी एंड डिलीवरीज रहेगी वो 25 bales के और उसके मल्टीपल में होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर 25 bales लगाना भी है डिपॉजिट में तो लगा सकता है, और उसके मल्टीपल में 100 और उसके मल्टीपल में करना है तो डिपॉजिट कर सकता है। तो इसका बेनिफिट कैसे आता है, जैसे कुछ स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो जीनर्स हैं, छोटे जीनर्स हैं या एफप्यूज हैं, अगर उनको मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है अराउंड जो पर्टिकुलर एक लॉट के अराउंड टाइम वेरी करती है, 6 से 7 lakh के अराउंड में वेरी करती है। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल हो जाता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर्स। आगे बात करते हैं स्टेपल लेंथ की। जिसका हमने बेस रखा हुआ स्टेपल लेंथ का 29 mm का स्टेपल लेंथ का बेस है। तो बेसिस से मीन क्या है कि जो प्राइस में ऐड होगा जहां से हम कैलकुलेट करेंगे वो 29 mm के बेस से करेंगे। और ऊपर तक हम बात करें तो इसके आगे की फीचर्स क्या है बेसिस के लेंथ के वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं माइक की। जो माइक है हमारा 3.7 से 4.6 का है विदाउट एनी प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो मींस क्या है कि जैसे माइक किसी का 3.7 से 4.6 तक आता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, पर इसमें कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं रहेगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है इसकी कलर ग्रेड। तो कलर ग्रेड पहले हमें ये समझो कलर ग्रेड होता क्या है। जैसे हम कॉटन देखते हैं व्हाइटनेस कितनी है कॉटन में, तो उसमें जैसे जब लाइट गुजार जाती है तो कितनी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू क्या आती है उसमें, तो उसको कलर ग्रेड में और उसको आरडी वैल्यू में मेजर करा जाता है। तो हमारे पास जो इसका बेस है 75 RD का है, और उसमें प्रीमियम डिस्काउंट की बात कर जाए तो अप टू 73 तक एक्सेप्टेड है, विद 74 तक 1% का डिस्काउंट है, एंड अगर 73 आता है तो एडिशनल 1.5% का यानी 1.5% का एडिशनल डिस्काउंट इसमें आ जाता है।
बात करी जाए ट्रैश की, तो ट्रैश इंडस्ट्री की काफी बड़ी प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि ट्रैश से जो भी आगे जो स्पिनिंग यूनिट चलते हैं उसमें ट्रैश जितना कम होगा उसको स्पिनिंग यूनिट चलाने में इतना इजी होता है। और आई थिंक इंडिया में जो स्पेयर ट्रैश का जो स्टैंडर्ड है 3% का ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो सेम स्टैंडर्ड हमने बेसिस का 3% का रखा हुआ है, एंड अप टू 4% का हम अलाउ करते हैं। एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम की बात करी जाए तो इसमें 1:1 का डिस्काउंट है अप टू 4% तक, एंड नीचे को अगर ट्रैश कम आता है अप टू 2% आता है तो हम सेम 1% 1:1 का इसमें प्रीमियम भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये नई इसमें स्पेसिफिकेशन है, ये तो मैं डेफिनेटली अजय जी सबको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट 8 नंबर स्लाइड अगर हम देखते हैं, तो जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है और प्रोसेसर, वो तो हमने अभी डिस्कस किया, वो तो मैं ग्रुप में और जो नई रिपोर्ट्स है उसमें भी मैं शेयर करता हूँ। तो अभी मैं बताइए, जो पहले अभी जो अदर एक्सचेंजेस के भी चल रहे हो और एनसीडेक्स अभी चल रहा है, दोनों में फर्क क्या रहेगा मेजरली? तो बात कर जाए फर्क की, बात कर जाए तो पहले हम स्टार्टिंग से फर्क की बात करते हैं। तो पहले तो है हमारा 25 बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अदर्स में बात कर जाए तो 100, पहले जो हमारे पास में था 100 बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड बात करी जाए ओके तो सेंटर्स की बात करी जाए, पहले हमारे हमारे पास में जो सेंटर्स है लिमिटेड गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिमिटेड सेंटर्स हैं, तो क्या जो भी बायर्स हैं उनको डिलीवरीज का थ्रेट यानी कि बहुत अदर अदर स्टेट से डिलीवरीज आ सकती हैं, तो जो डिलीवरीज है हमारे पास में गुजरात या महाराष्ट्र से आएंगी। और बात करी जाए मेन, तो हमारे पास स्टेपल लेंथ में एक प्रीमियम का भी हमारे पास में एक एड ऑन है कि जैसे 29.5 से ऊपर का अगर लेंथ आती है, जैसे वाले 29.6 या फिर 30 तक आती है, तो 0.5 का एडिशनल प्रीमियम भी इसमें दे रहे हैं। और सबसे मेन जो बात है कि हमारे पास में वेयरहाउसेज जो भी इन लोकेशन में, वेयरहाउसेज में डिपॉजिट में कोई लिमिट्स नहीं है, काफी हमारे पास में काफी रोबस्ट स्ट्रक्चर है वेयरहाउसेज का एंड डिलीवरीज को हैंडल करने का। जैसे आप जानते भी हैं कि महाराष्ट्र में हम पहले चना हो गया या फिर अदर सोयाबीन के हमारे पास काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोकेशन में है, सो डिलीवरीज हैंडल का हमारा काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो कोई भी क्लाइंट्स को अगर इसके रिलेटेड रहता है तो हम डिलीवरीज में भी काफी सेल्फ सफिशिएंट एंड काफी वेयरहाउस स्पेस भी हमारे पास काफी बड़ा है इसमें। और सबसे मेन बात करी जाए तो जो सबसे बड़ा की पॉइंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट है सर। जैसे बात करी जाए, जैसे अभी दिसंबर मंथ चला तो उसके बाद अभी दिसंबर भी हमारे पास में लाइव है, देन जनवरी भी हमारे पास में लाइव है। सो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली एक्सपायरी है, 20th ऑफ एवरी मंथ की एक्सपायरी है 20th की, तो सबसे की फीचर है। क्योंकि अभी इंडस्ट्री में बात करी जाए जो बिल्कुल इंडिया में मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा पहले से भी चलते थे और बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का इतना चलन इंडिया में नहीं है, मेनली जो डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सो जैसे किसी भी जिनर को अभी मान लो डिलीवरी करनी हो तो अभी हमारे में यहाँ पे दिसंबर की 20 की एक्सपायरी की डिलीवरीज के लिए डिपॉजिट कर सकता है। सेम है जैसे बायर को अगर हमारे यहाँ से माल उठाना है तो दिसंबर की एक्सपायरी के लिए माल उठा सकता है। बिल्कुल। तो आई थिंक आपने जिस एंड ढंग एक से और है कि जैसे वेयर हाउस रेंट की बात करें तो वेयर हाउस रेंट भी थोड़ा कम रखा हुआ है सर। तो सर यही थोड़े की फीचर थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने बता रखा तो यही थोड़े से की फीचर थे जो मैं बताना चाह रहा था। इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हम बात कर सकते हैं। मैं बाद में Q&A में हम लोग लेंगे, और डेफिनेटली जो है नया प्रोडक्ट है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और चार्जेस वाइज भी और क्लासिफिकेशंस भी जो हमने देखे वो काफी बेहतरीन है। एक्सचेंज भी टाइम टू टाइम कोशिश की करता रहता है कि जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे मैच करें, एंड अकॉर्डिंगली हम कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस होता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने ब्रीफ किया, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि ये प्रेजेंटेशन अगर मिलता है तो मैं अकोशिया से सुधीर जी को भी शेयर करूंगा, सो डेट जो भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट है उनको इसकी जानकारी पूरी मिलती रहे, और ऐसे हम अपडेट लेते रहेंगे। नाउ वी वेलकम मिस्टर संदीप येलुरकर। तो हमने देखा कि आज की डेट में कंप्लायंस, संदीप जी जब तक आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो हमने देखा कि कंप्लायंस इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि जो बिजनेस ओनर है या मिल ओनर है उनका ध्यान प्रोडक्शन और अगर हम बात करें सेल्स या रिलेशन उसमें तो नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है कि मैं कंप्लायंस के लिए देखता रहूं या मेरा प्रोडक्शन कितना है, किससे कितना पैसा आना है। तो हमने एक छोटा सा 10 मिनट्स का एक सेशन रखा है आज, जहाँ पे मिस्टर संदीप येलुरकर इनकी कंपनी है सॉल्यूशंस, तो ये हमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम लोग सुबह उठते ही एक जैसे न्यूज़पेपर देखते हैं तो पूरे इंडिया की न्यूज़ पता चल जाती है, तो सिमिलरली संदीप जी इसमें हमें डैशबोर्ड का हेल्प करेंगे कि हमारे बिजनेस में डैशबोर्ड क्यों होना चाहिए। तो ओवर टू संदीप जी। तो थैंक यू अजय केडिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। जस्ट मैं 2 लाइन में मेरे बारे में बता दूं, मैं इस इंडस्ट्री में 16 साल से हूं और उसके पहले मैंने फाइनेंस में 15 इयर्स जॉब की थी। तो
ऐसे टैली पार्टनर मैं 16 साल से हूँ और आई एम ए स्टार टैली पार्टनर। एंड मैं अलग दूसरे टैली पार्टनर से अलग ऐसे इसके लिए हूँ कि मैं फाइनेंस फाइनेंस से आता हूँ और फाइनेंस की समझ रखता हूँ, क्योंकि मैं जीएसटी रिटर्न, जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न में भी हम लोग हेल्प करते हैं लोगों को। जो अभी आप टैली देख रहे हो, बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं कि टैली यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए। तो अगर कोई मुझे हेल्प करेगा कि थोड़ा सा इंटरेक्ट, तो 2-4 मिनट लूंगा आपके, पर कोई इंटरेक्ट करके मुझे बताएगा कि हम लोग अकाउंट्स मेंटेन ही क्यों करते हैं पहली बार। तो हमारे साथ सुधीर जी है, वो सबसे अच्छा इंटरेक्ट करेंगे और अच्छा काम भी देखते हैं, इंडस्ट्री को भी अच्छा समझते हैं। तो सुधीर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा हेल्प। हेलो, सुधीर जी, कोई बात नहीं। तो मैं आपका टाइम से सेव करते हुए मैं बताता हूँ। बेसिकली हम लोग अकाउंट्स मेंटेन इसके लिए करते हैं कि हमारा अकाउंट्स, हमारा बिजनेस का स्टेटस आज के तारीख में क्या है, वो हमको किसी टाइम भी मिले। हाँ नमस्ते जी, थोड़ा सुधीर सर। नमस्ते जी। तो मेरा एक छोटा सवाल था कि हम लोग को ऐसे बिजनेस में हम लोग अकाउंट्स मेंटेन क्यों करना चाहिए पहली बात। अपनी जो अपनी वास्तविक स्थिति है कि अपन प्रॉफिट में है, लॉस में है, या अपन ने पास स्टॉक कितना है, या अपन किसी प्रकार की अपनी पूरी पोजीशन देखने के लिए अपने को अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। अगर अगर अपन अकाउंट अपना मेंटेन नहीं करेंगे तो अपनी कुछ भी स्थिति अपने को मालूम नहीं पड़ेगी और आगे जाके अपने को बहुत ज्यादा क्राइसिस में हो जाएगा। और वैसे भी अपने को हर महीने रिटर्न भरना ही पड़ता है, चाहे सेल टैक्स का हो या कोई जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपने अपने को जिससे अपने को उधारी लेना है, जिसको अपने को पेमेंट देना है, अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सारी व्यवस्था हौजपोर जाएगी और कोई भी बिजनेसमैन बिगैर अकाउंट मेंटेन किए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए अपने को अकाउंट मेंटेन बहुत जरूरी है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो इसमें सिर्फ तीन लोग मुझे जो दिखता है कि तीन लोगों का योगदान है, एक है जो अकाउंटेंट है, एक जो ओनर है और एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये तीनों का अपना अपना नजरिया है सब देखने के लिए, और वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीनों का काम आसान करने के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर जो है टैली को हम लोग लेके आए हैं। ये टैली का नया वर्जन है जो बहुत लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि अभी तक ये वर्जन हमारे पास ही है। अभी ओपन मार्केट में 1 हफ्ते में आ जाएगा, विच इज कॉल्ड टैली 4.0। ये टैली का लाइसेंस है। कोई अगर कोई पुराना वर्जन यूज करे ईआरपी नहीं, तो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा टू प्राइम। अभी इसमें तीन चीजें हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस के लिए तीन चीज लगते हैं, तन मन और धन। तो तन का मतलब है कि आपका पेरोल वगैरह कुछ रहेगा तो पेरोल टैली हैंडल कर लेती है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट टैली हैंडल कर लेती है। मन मतलब हम लोग अगर हम लोग देखें कि पैसा की हम लोग बात करें, राइट, तो अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, तो कंप्लायंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग कंप्लायंस में पीछे हो जाते हैं कि जीएसटी रिटर्न हम लोग टाइम पे फाइल नहीं करते। तो टैली यहाँ पर आपको हेल्प करता है ईवे बिल क्रिएट करने के लिए, ई इनवॉइसिंग, और वो एकदम आसान है। कोई भी नया, लाइक मैं आपको एक बताऊं कि हम लोग स्क्रैप डीलर्स को टैली भेजते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मगर उनको ई इनवॉइसिंग की जरूरत है, भी कि उनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होता है, 5 करोड़ के ऊपर होता है, तो उनको भी हम लोग इतना आसान बना के दे देते हैं। बट ऐसे अजय जी ने जो आज का टॉपिक रखा है, ऐसे डैशबोर्ड ओनर्स को क्या लगता है कि मुझे इतना सब टैली समझ में नहीं आता और समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम लोग ओनर्स हैं, हमको अकाउंटेंट नहीं बनना है। तो मुझे एक दिन में ज्यादा ज्यादा मेरे पास 9-10 मिनट है मेरा अकाउंट देखने के लिए, तो क्या मैं 9 मिनट में मेरा अकाउंट पूरा देख सकता हूँ? तो हाँ, ये एक डैशबोर्ड करके आपको ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर मुझे मालूम पड़ रहा है कि कौन सा मेरा परचेस और सेल्स, एवरीथिंग, लाइक एक ही स्क्रीन में दिख रहा है मेरा सेल्स कितना हुआ अभी तक, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर मंथ सेल्स कितना हो रहा है, मैं उसको लेके जा सकता हूँ कि 2.25 करोड़, 2.75, ये मेरा सेल्स दिखते रहेगा। सामने मेरा परचेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। फिर मुझे मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे सुधीर जी आपने बोला, वो क्या दिख रही है, वो भी मुझे दिखेगा। मेरे पास बैंक में और कैश पैसा कितना है मेरे हाथ में, मेरा इन्वेंट्री क्या चल रहा है, यहाँ पर भी मुझे दिखेगा। मेरा आना जाना कितना है, मेरा पैसा आने का रिसीवेबल कितना है, उसमें से ड्यू कितना है और पेबल है और उसमें ड्यू कितना है,
नो, एक दो तीन चीज जो सेंसिटिव रिपोर्ट जो हम लोग को देखना चाहिए रोज, तो वो ये है अकाउंटिंग रेशियोज। तो मैं एक शॉर्ट में इसको समझाता हूँ आपको। तो सबसे मेरा दिल के करीब वाला रिपोर्ट है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। तो हम लोग ना बहुत लोगों को उधार देते हैं और वो अपने को प्रॉमिस करते हैं मैं 7 दिन में पैसा दूंगा या 15 दिन में पैसा दूंगा, जो भी अपनी पेमेंट टर्म्स है। तो क्या वो उतने ही दिन में दे रहा है? ताकि जाके ये केस में हम लोग देख रहे हैं डेमो डेटा में उसका एवरेज टर्नओवर एंड टर्नओवर डेज इन पैसा उसको 170 दिन में मिल रहा है। तो इसको किसी ने अभी जो भी उसका क्रेडिट टर्म्स रहता, तो हर पार्टी उसको कितने दिन में पैसा दे रही है यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो मुझे ये आदमी के साथ कल डील करते वक्त क्या करना चाहिए? इसको जो मैंने क्रेडिट पीरियड दिया है वो सही है गलत है मुझे समझने के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर कितने महीने में हो रहा है? मेरा 4 महीने में इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है ये भी मुझे मालूम पड़ना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो रहा है कि मैंने पैसा अगर 100 रुपया डाल रहा हूँ तो मुझे क्या रिटर्न मेरा बिजनेस दे रहा है, कि मैं ये बिजनेस में रहूं या नहीं रहूं। और मेरा ना ये सब जब आएगा जब मेरी अकाउंटिंग एक्यूरेसी होगी और हम लोग को उसको सिस्टम बना के देना पड़ेगा। बिकॉज हमारा सबसे ज्यादा एसएमईज का प्रॉब्लम होता है कि हमारा स्टाफ एट्रिशन एक प्रॉब्लम होता है, कि हमारे इधर जो लोग आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हमको सिस्टम ऐसा स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि कोई भी आए उसी सिस्टम से काम करे और मेरा डेटा मुझे वो दे, और यही डेटा मैं मेरे मोबाइल पे भी लूं तो मैं कहीं पर भी घूम रहा हूं तो मुझे डेटा दिखना चाहिए मेरे मोबाइल से, ताकि मैं मेरा अकाउंटिंग मेरा काम नहीं है, मेरा काम बिजनेस करना है, मगर बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए मुझे अकाउंटिंग देखना पड़ेगा। और टैली जैसा आसान टूल कोई है नहीं। जैसे हम लोग टैली को बोलते हैं पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, तो वो पावरफुल भी है येट सिंपल भी है। सो थैंक्स फॉर टाइम अजय जी, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर अजय जी के पास है, मेरा आईडी पे भी लिखा हुआ है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। एंड आपका वेंडर कोई भी हो, आपने टैली कहीं से भी लिया होगा, मैं हेल्प करने में और सपोर्ट करने में बिलीव करता हूँ, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और देखो ऑब्जेक्टिव यही था, जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हो तो ग्राफ का ऑब्जेक्टिव यही था कि मैंने जो भी परचेजेस किए हैं या सेल्स का ट्रेंड किया या किसी से पैसा आना है तो कितना है। तो मॉर्निंग में अगर ये डैशबोर्ड मुझे दिख जाता है तो डेफिनेटली मैं पूरा दिन आराम कर सकता हूँ। और मेरे अकाउंट्स वाला मेरे को जो फिगर्स दे रहा है वो और मेरा टैली फिगर दोनों मैच हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं एक बार वापस धन्यवाद देता हूँ संदीप जी को। इनके अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने यूट्यूब पे और यहाँ पे जूम पे भी हम डाल रहे हैं, तो इनके अगर किसी कुछ भी क्वेरीज आप वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं तो मेरी टीम वेबिनार के बाद भी कनेक्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच संदीप जी। तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट सुधीर जी के मार्केट में हो क्या रहा है। सुधीर जी तो काफी अच्छे, मतलब सुधीर जी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, सब अच्छी से जानते हैं। फेस ऑफ हम बोल सकते हैं कपासिया है। सुधीर जी ओवर टू यू। नमस्कार केड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी रिक्वेस्ट के बाद, काफी दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेबिनार रखा नहीं नए सीजन में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर हरीश जी को बुलाया, अजय शर्मा जी एनसीडेक्स से बुलाया, और ये संदीप जी यदुकर जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी, इससे शायद इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। जहां तक कपास का प्रश्न है कि इस साल अपने को शुरुआत में लगा था कि इस बार भी काफी 127-128 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है तो काफी अच्छा रहेगा, पर सितंबर अक्टूबर की बारिश ने इस साल फिर नुकसान कर दिया फसल को, और उसके रीजन यह रहा कि नॉर्थ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा नुकसान, जैसे अभी सीआईए का फिगर आया तो शुरू में लग रहा था कि 3 करोड़ 50 लाख गठान तक होगी, उसी के चक्कर में सितंबर वायदा 2200-2300 रुपए तक गया था। फिर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता रहा, जो अनवांटेड बारिश है उसने पूरा, या जो सफेद इल्ली है उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया, उसकी वजह से आज करीब 3 महीने हो गए सीजन को शुरू हुए, 2.5 से 3 महीने, उसके बावजूद भी अराइवल तो ठीक है, साल बनी हुई है, क्योंकि करीब करीब अभी तक 2 सवा 2 महीने में, आज अपन 2 दिसंबर को बैठे हैं, तो करीब 60 लाख गठान की आवक हो चुकी है। आवक इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि 1.5 लाख बेल्स की भी अराइवल, क्योंकि पिछले साल किसानों को भाव, पिछले साल 7-8 महीने तक किसानों ने कपास को रोक के रखा, उसके बावजूद भी उनको दाम नहीं मिला, तो किसानों ने सोचा कि इस बार 7,000 रुपये में बेचे तो अच्छा। दूसरी बात क्या, इस बार क्वालिटी बहुत हल्की है, रेन डैमेज माल भी आ रहा है, और क्वालिटी इस साल बहुत हल्की है। जहां तक कॉटन सीड का सवाल है, कॉटन सीड में भी ऑयल की मात्रा 2% कम है, नॉर्थ में भी क्वालिटी बहुत हल्की है, कॉटन
कॉटन सीड की, और जो ऑयल मिल के हिसाब से तो वहां पर कपाशा है ही नहीं, सब चराव में जा रहा है, काफी हल्का माल है। जहां तक प्राइस चेंज की बात है, 3,000 रुपये कपाशा खली कपास का, कॉटन सीड का भाव चल रहा है, वायदा भी अभी 2,900 सवा 2,900 के आसपास चल रहा है, तो वायदा और हाजिर में कोई लिंक ही नहीं बैठ पा रहा है। हाजिर में डिमांड इतना नीचा भाव खली का और कपाशा का होने के बावजूद भी डिमांड बहुत कम है, क्योंकि आदमी डरा हुआ है। पिछले 7-8 महीने या पिछले साल देखा जाए तो ऑयल मिलर ने कुछ कमाया नहीं है, उसकी वजह से ऑयल मिल डला हुआ है, हैंड टू माउथ है। और अभी पिछले 7-8 दिन से पूरे इंडिया में, जैसे अभी इंदौर में बैठा हूँ, इंदौर में बाहर बहुत जम के बारिश हो रही है, तो इससे भी आवक बहुत कम हो गई। जैसे अभी 1.5 लाख बैल्स की अराइवल हो रही थी, तो बारिश होने से 70-80 हज़ार बैल्स की अराइवल रह गई, और अराइवल कम होने से और मॉइस्चर बढ़ गया। आज भले कॉटन सीड अपने को 3,000 रुपये में दिख रहा है, पर इसके अंदर बाजार टूट नहीं रहा, पर मॉइस्चर बढ़ने से 3 से 4% मॉइस्चर बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी बाजार टूटेगा, क्योंकि 4% जो मॉइस्चर कम था, 4% मॉइस्चर मतलब 125-150 रुपये कुंटल का तो मॉइस्चर ही बढ़ गया, इसकी वजह से टूट नहीं रहा है। इस बार ऑयल मिलों में भी डिस्पेरिटी है, ऑयल मिलें पूरी चल नहीं पा रही है, तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है भाव तो बहुत नीचा है, तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आगे जो मौसम है, मौसम ने इस बार जब पानी की आवश्यकता थी तब पानी नहीं दिया, और जब पानी की आवश्यकता नहीं थी तब पानी आने से भी फसलों को नुकसान भी हुआ। अभी जैसे अभी 8 रोज पहले गुजरात में काफी ओले गिरे, तो वहां से फसलों को थोड़ा नुकसान है। अब ये पिछले 8 रोज से जो पानी गिर रहा है, इसने कई जगह फसलों को नुकसान किया है और कई जगह फसलों को फायदा भी पहुंचाया है, पर कई बार जहां फसलों को पानी की आवश्यकता थी उस समय पानी नहीं गिरने से, जैसे नॉर्थ में हो या महाराष्ट्र में, कई लोगों ने फसलों को उखाड़ के फेंक दिया। अगर यही पानी 1 महीने पहले आ जाता, हो सकता है कि फसलों को फायदा होता, ज्यादा फायदा होता। इस बार फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो 3,000 रुपये का कपाशा दिख रहा है, इसमें अगर 200 रुपये का रिस्क लेके चलेंगे तो इसमें आगे प्रॉफिट ही रहेगा लोगों को। कारण क्या है कि जो 31 दिसंबर तक कपाशा आता है मंडियों में, वो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। दिसंबर के बाद जो जनवरी में कपाशा आता है, वो उसकी क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, वो भले बहुत 3,000 रुपये रहेगा, वो क्वालिटी काफी उतर जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 31 दिसंबर तक आदमी को कॉटन सीड में स्टॉक कर लेना चाहिए, और ये जो भाव का कपास है या खली है, बॉटम भाव चल रहा है, कभी भी इसमें रिस्क 100-200 रुपये से ज्यादा की नहीं है। जहां तक वायदे का सवाल है, वायदा भी अपन 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, 2,800-2,900 से नीचे जाता, 3,010 रुपये 30 रुपये तक ऊपर गया, इसमें नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, कभी भी ये बाउंस बैक कर सकता है। हो सकता है 31 दिसंबर के बाद काफी अच्छा सुधार हो जाएगा। और थैंक यू अर्जय जी। नहीं, इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ेंगे सर, मेरे को 2-3 चीज का पता है कुछ। तो पहले तो एक जो अभी हमने देखा कि एलिनो का पहले कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि एलिनो आपका माइक चालू है, तो पहला तो एलिनो के लिए हम लोग कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा करके हमारी आदत है कि IMD हो चाहे स्काई मेट, हम जनरली विश्वास नहीं करते हैं। बट इस बार समझ में आया कि इस बार मानसून भी लेट था, अगस्त में हमने जो सिचुएशन देखी वो काफी खराब थी, सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश आई, इनफैक्ट अभी दिसंबर में भी, मतलब पिछले सालों में तो हमने ये सुन रहे थे कि रावण भी इस बार डूब के मरेगा, मतलब दशहरे तक भी बारिश काफी रहती थी, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब ये बताया जा रहा है कि अगले साल ड्रॉट कंडीशन इंडिया में पड़ेगा, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा प्राइस पे भी और क्रॉप पे दोनों पे? देखो, इतना लंबा तो बताना जरा मुश्किल है, पर इस साल जो क्रॉप कम है, फसल कम है, और दूसरी बार रेन डैमेज हुई गई, तो उससे तो कुछ भी पॉजिटिव लगता ही है कि बाजार में, चाहे इस बार चाहे रुई का मामला मैटर हो या कपास का मैटर हो, क्योंकि अपन ने पिछले साल देखा है 3 करोड़ 30 लाख 40 लाख कोई 50 लाख का अठान भी बोल रहा था, उतना भी माल आ गया और सब खप गया, मतलब कोई स्टॉक बचा नहीं। उसके बावजूद भी अगर 2,94 इस साल आने वाला का प्रोडक्शन CIA कर रहा है, तो नेचुरली अगर अपन 40-50 लाख गठान कम है तो नेचुरली पशु तो बढ़ ही रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि दूध के भाव भी काफी अच्छे, दूध हो या घी हो, और जैसा अभी स्टेट ने भी बताया कि इस साल 38 लाख शादियां हैं, तो नेचुरली डिमांड तो काफी अच्छी है सभी चीजों में। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि बाजार तो ठीक है, अभी लोगों का मॉरल जब तक डाउन है जब तक है, जैसे अभी अगर ये 2-4 दिन बारिश हो गई तो नेचुरली बाजार में शॉर्टेज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 7-8 दिन से कॉटन सीड की, एक तो अराइवल भी कम है कॉटन सीड की, और जो आ रहा है वो मॉइस्चर वाला माल आ रहा है, और तीसरी बात मिलों के पास ज्यादा स्टॉक नहीं है और माल सूख नहीं पा रहा है, तो इसलिए प्रोडक्शन डाउन है। अगर यही मोमेंटम 3-4 दिन तक रहेगा तो नहीं, बाजार में और भी
सा तेजी बन सकती है। जैसे अभी बाहर भी बहुत जम के बारिश हो रही है हमारे इंदौर में, और मैं बराबर आज एनसीडेक्स के अजय शर्मा जी है, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा। कई बार मैं 2-3 साल से आग्रह कर चुका हूँ, जैसे अभी 2-3 सेमिनार हुए थे, मैं व्हाट्सएप से रात दिन जुड़ा रहता हूँ। तो उनका ये कहना है कि लोगों का कि जो 6% की खली है, ये जो आप चला रहे हो, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। ये क्या होता है कि आप शुरू में स्टॉक हो जाती है डिमेट, और बाद में आखिरी में जाके ही लोग इसको उठाते हैं। अपनी खली जो 7.5%, 7 से 7.5% की होती है खली, वो प्रैक्टिकल होती है। उसमें भले 2 महीने के अंदर आप डिपॉजिट कर दो, 2 महीने के अंदर उठा सकता है उसको, वो प्रैक्टिकल है। वो खली कभी भी चलती है, ये 6% की खली है ना, ये चल नहीं पाती है। और दूसरी बात ये, डिलीवरी सेंटर इंदौर या धुलिया करे जाए, मेरे ये दो दो आग्रह हैं एनसीडेक्स वालों से। पिछले 2-3 साल से मैं इनके काफी अजय यादव जी से भी कहा, और भी काफी लेटर भी लिखे, अभी 2-3 सेमिनार हुए थे, और भी व्हाट्सएप पे रात दिन बात चलती रहती है। तो सभी का आग्रह है कि आप ये दो चीजें वापस पहुंचाइए एनसीडेस को। अगर एनसीडेस को वॉल्यूम बढ़ाना है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी एनसीडेस का दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें हमारी इंडस्ट्रीज की डिमांड है, अगर ये शायद अगर इस पर गौर करें तो। नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग आगे भी अजय जी भी लेके जाएंगे और अपन भी कोशिश करेंगे। दूसरा एक मुझे, मैं अभी जो अपन क्रॉप के प्रोजेक्शन देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, कंटिन्यू क्रॉप प्रोडक्शन के नंबर सीआई हम 3-4 सालों में देखे, तो हम स्टार्ट तो करते हैं 350 से, फिर 340, 320, 310, 300, और इस बार तो ऐसा हो गया कि 300 के नीचे के फिगर्स आ गए। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि माल है ही नहीं बिल्कुल भी, दूसरी तरफ डिमांड भी नहीं है। तो मैं भी ये समझता हूँ अभी डिमांड नहीं है, इसके लिए मार्केट चल नहीं रहा है। और तो इसमें आपको क्या लग रहा है, अभी जिस ढंग से नंबर गिरते जा रहे हैं, और आगे भी जैसे सूखे की जो सिचुएशन बता रहे हैं, तो अगर फर्दर नंबर जाएगा और डिमांड में थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट आई, तो डेफिनेटली आपने तो बताया, बट उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? डिमांड का जी, एक्चुअल में क्या होता है, डिमांड जैसे क्या होता है, अपन भी गेहूं रखते हैं, जैसे आज अपने सिस्टम रहता है, तो अगर जैसे डिमांड रहती है, किसी को 100 बोरी की आवश्यकता है, तो अगर बाजार भाव नीचे रहता है तो नवंबर दिसंबर किसान भी क्या करता है कि अगले 6 महीने का स्टॉक करके रख लेता है। नवंबर दिसंबर में जब उसने अगर 6 महीने का स्टॉक रख लिया, तो अभी नवंबर दिसंबर में तो अपने को अच्छी डिमांड रखती है, हर आदमी अपना आगे तक का डिमांड मार रख लेता है अभी। और क्या होता है, वो बाद में डिमांड खत्म हो जाती है। तो यही है, अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी हैंड टू माउथ हो गया, उसको याद है मेरे को 2 दिन की स्टॉक चाहिए, 3 दिन का स्टॉक चाहिए, तो वो एक दिन रोज लाता रोज लाता है, तो रोज लाता रोज खिला देता है, तो उसकी वजह से डिमांड नहीं बढ़ती है। पर अगर आज डिमांड अगर जैसा पहले सिस्टम चलता था इकट्ठी ले आएगा, तो पहले क्या होता था कि अगर आदमी नवंबर दिसंबर में स्टॉक कर लेता था, तो फरवरी मार्च में बिल्कुल डिमांड खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इससे किसान ने अपने घर में स्टॉक कर लिया। अब आजकल क्या हो गया कि ये खली का भी एक तरह से रेडी टू ईट हो गया। जो खली आ रही है 10% 11% की चलती है, उसमें अगर 1-1.5 महीना खली पड़ी रहे तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए किसान भी आज की तारीख में भाव भाव की वजह से, या उसको रिटर्न नहीं मिलता उस वजह से, या कीड़े लगने की वजह से, वो स्टॉक नहीं करते हुए ये खली की डिमांड आजकल 12 महीना बनी रहती है। नवंबर दिसंबर में अपना, अगस्त सितंबर में भी, पहले क्या होता था कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आयल मिल चलती नहीं थी, आजकल पूरे 12 महीने आयल मिल चलती है। लोगों को ताजी खली चाहिए, जैसे अपन सब्जी लेते हैं ना उस टाइप की, जबकि ये स्टॉक की खली डिमांड ज्यादा रहती थी। इसलिए डिमांड तो खली में बनी हुई है, बस ये है कि कोई अभी ज्यादा हो जाती है डिमांड और बाद में कम होती है। पर अब हर समय पूरा जो कॉटन सीड का, कॉटन सीड कॉटन ईयर है, आजकल ये लोग बोलने लग गए कि पूरे 10 महीने का हो गया। पहले क्या होता था, 4 महीने का ये सीजनल आइटम होते थे, 4 महीने डिमांड रहती थी, सब स्टॉक कर लेते थे, तो बाद में डिमांड गायब हो जाती थी। आजकल क्या, किसान भी होशियार हो गया, किसान भी थोड़ा थोड़ा माल रहता है, किसान भी साधन संपन्न ज्यादा हो गया, तो वो धीरे धीरे माल लाता है और धीरे धीरे डिमांड बनती है। तो इसलिए डिमांड तो पूरी बनी रहती है, पर यह कि धीरे धीरे खाते हैं उसको, उससे क्या होता है कि ज्यादा तेजी मंदी नहीं होती। किसान के पास माल बड़ा रहता है, आज की तारीख में इंडस्ट्रीज जो पहले स्टॉक कर लेती थी, उसका फायदा उसको बाद में मिलता था, अब इंडस्ट्रीज को भी लगता है कि यार फायदा मिलता नहीं है, अभी सीजन में भाव ऊंचे हो जाते हैं, बाद में नीचे हो जाते हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट कम हो गया। आज की तारीख में इंडस्ट्री ज्यादातर बंद पड़ी हुई है या बहुत कम कैपेसिटी पे चल रही है, उसका कारण यही है कि उनको रिटर्न नहीं मिलता। समझ गया। चलिए संदीप जी, मैं इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे आपको पीछे, तो एक छोटा प्रेजेंटेशन हमारे और से भी हम रखे, जहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर हनी सिन्हा जी भी है। तो पहले मैं एक ब्रीफ जस्ट स्टार्ट करता हूँ, देन फंडामेंटल डॉक्टर साहब लेंगे, एंड उसके बाद मैं सीजनलिटी एंड टेक्निकल्स और मैं देता रहूंगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का टाइम देने के लिए। तो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल।
लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। तो यहाँ पे हमने देखा, ऑलरेडी अजय जी ने बताया कि एक्सचेंज भी पार्टिसिपेट करने में लगी है, कि कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। संदीप जी ने हमें डैशबोर्ड के बारे में बताया, और सुधीर जी तो हमको बता ही रहे मार्केट के अंदर सिनेरियो टोटली इस बार हमने अलग होते हुए देखा है। तो आज के इस सेशन में माय नेम इज अजय केडिया, 2004 से हम लोग मार्केट में है। एंड ऑब्जेक्टिव ये वेबिनार के सिंपल यही रहता है कि जो भी जानकारी, चाहे फिजिकल प्रोस्पेक्टिव से चाहे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से, आप तक आए, सो डेट आपके जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो आप आराम से ले सके। जो आज का प्रेजेंटेशन है वो एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी कमोडिटीज में रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट एक जो मार्केट में जो चीज दिखाई दे रही है, फिगर्स है, बैलेंस शीट्स है, वो हम आपके पास लेके आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस में, फिर फंडामेंटल्स क्या है, बैलेंस शीट अराइवल्स क्या बता रहा है, वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि अब रिसेंटली हमने देखा कि IMD ने भी कहा है कि सूखा पड़ सकता है आगे जाकर, तो वो थोड़ी सा कंसर्निंग है। एंड सीजनैलिटी में देखेंगे एंड टेक्निकल आउटलुक देखेंगे। तो सबसे पहले अगर प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि स्पॉट में कॉटन के प्राइजेस की अगर हम बात करें, तो ये साल थोड़ा सा डल ही रहा है। अगर आप थोड़ा ब्रीफली अगर चार्ट देखेंगे, तो हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा फॉल हमने प्राइजेस के अंदर अगर बात करें, 3 महीनों में 8% की गिरावट हमने आते हुए देखी। जैसे सुधीर जी ने भी कहा है, देखो सप्लाई तो कम हो रही है, बट उसके बावजूद प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट है। उसका मुख्य कारण है 2-3 चीज। पहला है रिसेशन फियर। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में रिसेशन का फियर बना हुआ है, तो जो डिमांड पहले आती थी उतनी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से कोई भी स्टॉक करना नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की भी बात करें, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर पिछले साल अच्छे खासे भाव थे, फिर हमने गिरावट आते हुए देखा। नीचे में 2300 तक का भी लेवल 1 अगस्त को देखा था। यहाँ पे हमें लग रहा था कि हाँ 2300 का जो भाव है वो काफी ज्यादा गिर चुका है, लेके चलना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 2280 से मार्केट घूमना चालू हुआ, जो हमने 3000 तक का भी लेवल आते हुए देखा। हमारी उम्मीद 2800-2850 तक की थी, उसके बाद मार्केट में जिस ढंग से चेंजेस नए आए हैं, ये प्राइजेस को अपलिफ्ट कर दिया। तो पिछले 6 महीने में कॉटन सीड ऑयल केक ने लगभग 14.5% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। वहीं एनसीडीएक्स कपास की भी अगर हम बात करते हैं, तो काफी सुस्त मूव करता हुआ दिखाई दिया पिछले 1 साल के अंदर, या पिछले 11 महीनों की बात करें तो 5.5% की गिरावट मार्केट में आते हुए दिखाई दी। और मार्केट अभी भी पिछले 1-6 महीने की भी अगर हम बात करते, तो प्राइसेस गिर गिर दी मार्केट में घूमता हुआ दिखाई दिया। पैसिमिज्म बहुत बना हुआ है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, उसकी वजह से। ऐसा ही कुछ हाल ग्लोबल मार्केट का भी रहा है, जहाँ पे US कॉटन की अगर हम बात करते तो 80 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि अगस्त में भी जब मैं ये सेशन ले रहा था ऐसा, तब भी हमने देखा था कि प्राइजेस 84-85 सेंट तक जाता है, फिर नीचे आता है। बीच में तो हमने 75 सेंट के नीचे भी जाते हुए देखा, बट कुल मिलाकर आज फिर से 80 सेंट के करीब ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल के अंदर लगभग 7% की गिरावट हमने US कॉटन में आती हुई देखी है। वहीं थोड़ी थोड़ी अगर हम इंपैक्ट देखें, तो रिसेंटली चाइनीज कॉटन में हमने गिरावट जरूर देखी है, बट उम्मीद थी जनवरी फरवरी में कि यहाँ से चाइना से काफी अच्छी डिमांड मार्केट में लग रही थी। रिसेंटली 2-4 अपडेट ऐसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो अगर हम चाइना के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करें, तो देयर वाज अ न्यूज कि चाइना डिसाइड कर रही है कि सिग्निफिकेंट बाइंग चाइना अपने रिजर्व्स में मूव कर सकती है डोमेस्टिक सप्लाई, क्योंकि मार्केट में जो वॉलिटी उसको मैनेज भी करना है, और साथ में प्राइस को स्टेबिलिटी करने के लिए जो चाइनीज गवर्नमेंट है प्लान कर रही है रिजर्व में बाय करके रखने के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जरा मैनी पॉजिटिव न्यूज हमने US कॉटन प्रोड्यूसर से भी आते हुए देखा, क्योंकि वहां पे जो हायर एक्सपोर्ट नंबर्स आए हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड US कॉटन की धीरे धीरे बढ़ रही है। बट उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा कि प्राइजेस में इतनी ज्यादा आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो लार्ज एक्सपोर्ट्स है वो पहले बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि यूरोपियन मार्केट, US मार्केट सभी रिसेशन में थे। बट धीरे धीरे अब स्लोली एंड स्टेडली डिमांड मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। रिसेंटली जो रिसेंट जो ट्रेड एसोसिएशन की रिपोर्ट्स आई है, उनमें भी ये चीज का मेंशन किया गया है कि धीरे धीरे इंटरनेशनल डिमांड भी इंप्रूव हो रही है। साथ में हमने देखा CCI ने प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी है वो सर्टन रीजन में इनिशिएट कर चुके हैं, तो लेकिन अभी भी प्राइस को सपोर्ट जो आना चाहिए था वो इतनी जल्दी नहीं आया था, बट अब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है। MSP का एक लार्जली सपोर्ट पीरियड मार्केट में रहता है। करेंसी में भी हम देख रहे हैं, तो RBI का इंटरवेंशन के चलते रुपया भी 8350 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यार्न मार्केट में भी अगर हम देखते हैं, तो अब मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है 20
24-15 के करीब। हाँ, पिछले एक हफ्ते में अभी रिकवरी है, क्योंकि चाइना मार्केट जिस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट करेगा। कुछ हाइलाइट्स की अगर हम बात करता हूँ तो उसमें ग्लोबल प्राइस में हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पे भी फ्यूचर्स में अक्टूबर के अंदर हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। वॉलिटिलिटी जो है फिजिकल मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जितने भी VCPs है उनको इम्पैक्ट दे रही है। इंटरनेशनल परचेजेस, खास करके अगर हम बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, तो मेल इन बांग्लादेश परचेज कॉटन सप्लाई फ्रॉम ब्राजील, इंडिया एंड फ्रेंड जोन से ना काफी परचेजेस बांग्लादेश में दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पहले हमने देखा फॉरेक्स कंसर्न्स थे बांग्लादेश में, जिसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही थी। बट अब धीरे धीरे रमजान से पहले बांग्लादेश एक्टिविटी वापस इंप्रूव हुआ। इनफैक्ट अगर हम देखें इंपोर्ट डिमांड पाकिस्तान से भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, और पर्टिकुलरली अभी ब्राजील, अफगान पार्सल्स, यहाँ पे हमने देखा है कि एक्टिविटी मूव होते हुए दिखे। लेकिन अभी भी जो डोमिनेंस बना रहेगा वो चाइना का रहेगा, बिकॉज चाइना करीबन 60% अकाउंट करती है पूरे एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में, जहाँ पे धीरे धीरे अब चाइनीज न्यू ईयर से पहले एक्टिविटी बढ़ा रहा है। रिसेंटली उसी के चलते हमने यहाँ पे दिखा है कि स्टेट रिजर्व में जो ऑक्शंस हो रहे हैं चाइना, वहां पे हम डेली वॉल्यूम देख रहे हैं 20,000 टन के आसपास का है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइजेस, कि हमने बहुत ज्यादा प्राइस में फॉल देखा। अभी तक एग्रेसिव बाइंग हमने ऑप्शंस में आती हुई नहीं देखी, बट अब उम्मीद है जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर US के कॉटन प्रोडक्शन के एडजस्टमेंट देखें तो उसके बारे में हनी जी आपको आगे ब्रीफ करते हुए दिखाई देंगे। ब्राजील में भी हमने प्रोडक्शन एडजस्टमेंट होते हुए दिखाया, जिसकी वजह से 10 मिलियन बेल्स डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव न्यूज हो सकती है आगे जाके प्राइस को लेकर। इवन CAI की अगर हम क्रॉप एस्टिमेट की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि 23-24 के जो नंबर्स है वहां पे पहले हमने रिसेंटली काफी अच्छे देखे थे, बट धीरे धीरे पिंक बॉल बॉम और बरसातों को लेकर कंसर्न थे, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आगे भी देखी जा रही है। वेदर कंडीशंस की अगर बात करें तो जो अनटाइमली रेन हुई है और पेस्ट के चलते चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों में ही हमने देखा है जो क्वालिटी है वहां पे हमने कमी आती हुई देखी। लेकिन हाँ, डिमांड बिल्कुल नहीं होने की वजह से अभी तक उसका एक सपोर्ट प्राइजेस में नहीं मिला है। लेकिन जैसे सुधीर जी ने भी कहा है, CAID की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार 23 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में इंडिया में करीबन 35 लाख शादियां है। सर, हमने ये चीज सुनी जरूर है, लेकिन आज कोई कॉटन परचेज करके कपड़े सिलाने नहीं जाएगा। बट हाँ, जो डेड स्टॉक पड़े हुए हैं यार्न मार्केट के अंदर, वो काफी हद तक हम देखेंगे इस पीरियड में कंजम्पशन में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे स्टॉक्स को भी हम लोग स्कैन करते हैं इक्विटी मार्केट को, तो वहां पे भी टेक्सटाइल सेक्टर का जो ये पीरियड है उसमें एक अच्छी डिमांड बताई जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमें December 2nd week से दिखेगा यार्न मार्केट, बिकॉज इन्वेंट्री जब खाली हो जाएगी तो डेफिनेटली ये मील की डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। तो उम्मीद है कि 15 दिसंबर के बाद से इंडियन मील से जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर हनी सिन्हा के आगे के फंडामेंटल्स कैसे मूव करेंगे वो आपको बताएंगे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल ना? हाँ, तो हम कॉटन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कॉटन फंडामेंटल्स अगर हम बात करें तो हमको लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन एक मैंने सिनोनिम टर्म्स बन गया है। बट अगर हम डीप डाउन अगर बात करते हैं, सिर्फ फाइबर्स की बात करते हैं जिससे हम कपड़े बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कम्पिटिटिव फाइबर्स आ गए हैं जिनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है, और उनमें कॉटन का कितना शेयर आता है उसको अंडरस्टैंड अगर करते हैं तो एक बेटर पोजीशन में हम रहेंगे कि कॉटन किस वजह से मार्केट टूट रहा है। जैसे अभी लास्ट 2 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि डिस्पाइट फंडामेंटल्स क्रॉप डाउन जा रहे हैं, क्रॉप के साइजेस कम हो रहे हैं और प्राइजेस में इंप्रूवमेंट तब भी नहीं दिखने को मिल रहा। तो हम एक बेस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हम फाइबर में डिस्पाइट द प्रोडक्शन डाउन होने के कारण से भी सपोर्ट कहाँ से नहीं मिल पा रहा। तो हम एक बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखें कि जो हमारे जो कॉटन कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल कंपटीशन बेस जो है सिर्फ कॉटन फाइबर्स को लेके, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन से जो आपके जो आर्टिफिशियल फाइबर्स निकलते हैं
उनसे काफी ज्यादा कंपटीशन है, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथिन फाइबर, ये सारे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ही कॉम्पोनेट्स में जाते हैं, और कॉटन ब्लेंडिंग, ब्लेंड कॉटन जो जो फाइबर्स वगैरह करते हैं उसमें कॉम्पीट करते हैं। इस कारण से भी हम देखेंगे कि कॉटन में स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है, इसकी वजह से फाइबर में एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर डिमांड पुशअप आ रहा आता भी है तो हाइड्रोकार्बन की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण से भी वहाँ से एक नेगेटिव फैक्टर काम करता है मार्केट में। अब हम ओवरऑल अगर शेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं, ये हमने एक कोशिश की है कि कॉटन फाइबर जो है बेसिकली और नेचुरल फाइबर्स के कंपेरिजन में कितना होता है। टोटल नेचुरल फाइबर्स अगर हम बात करते हैं तो 35% है, रेस्ट हमारा जो 65% है अभी भी हम हाइड्रोकार्बन लेते हुए जा रहे हैं, ज़्यादा कि सिल्क होगा, पॉलिस्टर होगा और अदर केमिकल फाइबर्स ये सारे हैं। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो हम पूरी बात करते हैं तो हम उसमें सिर्फ 35% की हम बात करते हैं जो कि हमारा नेचुरल फाइबर से कम्पीट करता हुआ नेचुरल फाइबर, उसमें भी आपका जो 1.5% सिल्क का आएगा, तो हमारा जो एक्चुअल जो कॉटन का होगा वो ऑलमोस्ट 33% के आसपास होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट कम्पीट करता हुआ दिख रहा है। तो फंडामेंटली कॉटन ये जब हम बात करते हैं तो डिमांड जो है इस 33% मार्केट शेयर की हम बात करते हैं, और अभी जैसे जैसे सीनरी चल रही है, जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फंडामेंटल्स में काफ़ी ज़्यादा डाइसी है, और वेदर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो उसके पर वेदर एनालिसिस करने से पहले हम कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ की हम बात करते हैं। नॉर्मली इंडिया को 3 मेजर जोन में बांट के रखते हैं, जैसे नॉर्थ जोन में आता है, नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सब बेल्ट आ जाएंगे, सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, गुजरात और ये पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आ जाते हैं, और सदर्न जोन जो है हमारा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये जोन आते हैं। इन तीनों रीजन्स का जो इम्पैक्ट है अलग अलग रहता है, उनके जो सॉयल डायनेमिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, मॉइस्चर रेंज के रिलेटेड जो रेंज के रिलेटेड डायनेमिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर नॉर्मली हैवी मानसून की एक्सपेक्टेशंस रहती है, नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो पर्टिकुलर 1 month पीरियड स्टार्टिंग के जो मानसून फेज होता है वहाँ पे काफ़ी एवरेज थे, बाद में जैसे ये मानसून विड्रॉ करता है तो वहाँ पे आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने पड़ते हैं। इस बार की अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो थोड़ा सा डाइवर्स था पिछले कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हमने जो एलिनो का जो अनाउंसमेंट देखा था ऑलमोस्ट अप्रैल एंड से हम लोगों ने ऑलमोस्ट मार्केट में हर जगह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि एलिनो इस बार डोमिनेट करने वाला है, लेकिन एलिनो एक जो फेज था इनिशिएट हुआ था अप्रैल में, फेज आउट या फर्स्ट फेज उनका जो डोमिनेंसी का आया था तब तक वो सितंबर मंथ क्रॉस कर चुका था, सितंबर में आपने देखा था इनिशियल, तो इसके कारण से आपको अगस्त में एक लंबा ड्रॉट देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 25 to 28 डेज का एक ब्रेक ऑफ मानसून देखने को मिला था, और उसका जो इम्पैक्ट था ओवरऑल मानसून पीरियड में आया था। फिर सितंबर में हमने देखा कि एक सडन गश ऑफ रेन्स आए थे, काफ़ी हैवी रेन्स आए थे फॉर 1 or 2 weeks, और उसका फिर से एक ड्राई फेज आ गया जिसे मॉनसून विड्रॉ कर गया। वो सिनेरियो को देखने के लिए हमको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कौन कौन से कॉटन एरिया में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा। तो नेक्स्ट स्लाइड्स अगर हम देखेंगे तो इसमें हाइलाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब हम वेदर के डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेलिंग बताएंगे किस तरह से एलिनो जो है इम्पैक्ट करता हुआ। अभी हम बेसिक हाइलाइट्स की हम बात करते हैं, तो कॉटन एसोसिएशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था ऑलमोस्ट 31.8 मिलियन बेल्स के आसपास में क्लोज किया फिगर ने, जबकि उन्होंने जो इनिशियल स्टार्ट किया था दे स्टार्टेड फ्रॉम 34.3 मिलियन बेल्स और धीरे धीरे कम होते हुए 31.8 पे कम हो गए। इस बार जो 23-24 का जो फिगर से लोग स्टार्ट किया है दे स्टार्टेड विथ 33 मिलियन बेल्स कि वहाँ तक हम प्रोडक्शन कर लेंगे, बट इनिशियल नेक्स्ट एस्टिमेट आया उनका 31.4 और अभी जो करंट एस्टिमेट है 29.4 मिलियन बेल्स के आसपास का है। इनमें जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन थे जिसके कारण से जो नेगेटिव इंपैक्ट आया प्रोडक्शन में, वो सबसे बड़ा चीज़ था 25% डिक्लाइन हुआ था सिर्फ महाराष्ट्र बेल्ट में ही ड्यू टू इनसफिशियंट रेन, क्योंकि रेनफॉल जो इस बार हुआ था काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज हुए थे और कुछ एरिया ऑलमोस्ट ड्रॉट हुए थे। अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम मानसून को एनालाइज करते हैं तो मोर देन 70% ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, दे आर ऑल फेसिंग ड्रॉट्स। कई स्टेट्स ने तो डिक्लेयर कर दिया था ड्रॉट्स, कुछ जगह पे पार्शियल ड्रॉट डिक्लेयर हुए थे, कुछ रीजन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज करके ड्रॉट डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरह से ओवर 70% का जो ड्रॉट कंडीशन था उसने कॉटन के प्रोडक्शन को ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, खासकर महाराष्ट्र के रीजन में। तो ओवरऑल 25% का डिक्लाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा और इन सब पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पे पिंक बॉल वॉर्म का और बोल्ट रॉट का ये दो मेजर इसका इम्पैक्ट आया था, इसकी वजह से भी कॉटन की डैमेजेस दिखाई दी थी। इसके अलावा थर्ड फैक्टर जो है क्या आया था कि ब्लैक फंगस करके एक डेवलपमेंट हुआ था जो बॉल्स के अंदर में रहते हैं उसको ब्लैकिनेस करते हैं, तो ओवरऑल क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था। राजस्थान और हरियाणा में काफ़ी मेजर इंसिडेंसेस हुए थे इसके कारण से, इसके कारण से उनका यील्ड ओवरऑल ड्रॉप हुआ। अगर हम कंपेयर करते हैं नेशनल एवरेजेस की हम बात करते हैं तो नेशनल एवरेज हमारा यील्ड का था ऑलमोस्ट 475 के आसपास का था,
जबकि हरियाणा में इस बार का यूनिट डिमांड हुआ 352 के आसपास, केजी के आसपास आया, तो देख रहे हैं काफी सिग्निफिकेंट इनके जो दो तीन कारण से। तो सिमिलर इम्पैक्ट आपको जो राजस्थान में कुछ पार्ट डिक्लाइन हुआ था और कुछ लेवल्स आपको पंजाब के कुछ रीजन में जो हरियाणा को बॉर्डरिंग कर रहे थे, इनके कारण से ओवरऑल जो हमारा जो यील्ड ड्रॉप था उसके कारण था। इसके अलावा कुछ जो सपोर्ट मिले थे हमारे जो नया अपने स्टेपल इसके एमएसपी का, उसका मार्जिनल इम्पैक्ट आया था, बट अभी भी जिस तरह से हम प्रोक्योरमेंट का देख रहे, गवर्नमेंट जो सीसीआई प्रोक्योरमेंट कर रही है वहाँ अभी भी पीक आउट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास का उन्होंने प्रोक्योर किया, 2.5 लाख बेल्स का प्रोक्योरमेंट हो चुका है, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर जैसे हम लोग क्या थे लास्ट ईयर का जो फिगर्स हम लोग देख रहे थे ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का उन्होंने प्रोक्योर किया था, तो उसके कंपेरिजन में अभी तक का जो थ्री जो ऑलमोस्ट टू एंड हाफ मंथ्स का प्लस हो गया हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन क्रॉस होते हुए, और हमें अभी तक 900 करोड़ भी है, तो प्रोक्योरमेंट का पेस भी ऑलमोस्ट स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। डिस्पाइट दे आर वर्किंग ऑन अराउंड 10 स्टेट्स में वो एक्टिव है, ओनली दे आर नॉट एक्टिव इन गुजरात, इसके अलावा जो स्टेट का, बट उन्होंने जो ऑपरेशनल सेंटर अभी किया 450 किया है, लास्ट टाइम जो उनका सेंटर ऑलमोस्ट 1200+ का सेंटर बना हुआ था, तो हम अभी भी क्योंकि एक दो महीना अभी और टाइम बचा हुआ प्रोक्योरमेंट विल सी पेस, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर जो उन्होंने टारगेट सेट किया था इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा कम आना चाहिए, कम से 10-15% वो शॉर्ट पड़ेंगे फ्रॉम द एंटायर प्रोक्योरमेंट साइकिल। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो वास्डे रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मार्केट रिपोर्ट देता है वहाँ पे जैसे अभी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी आई जी ने बताया कि वहाँ ड्रॉडाउन हुआ था, ग्लोबल प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होने का दिख रहा था, बट इनके कम होने के बाद भी मार्केट में सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखा था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का प्राइस और ग्लोबल लेवल से अगर हम बात करते हैं तो स्लाइटली हाई हुआ था, 0.8 मिलियन बेल्स के आसपास का कम हुआ था, ज़्यादा हुआ, बट इससे बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मार्केट में। यहाँ तक कंजम्पशन लेवल्स की बात है, कंजम्पशन लेवल्स 0.5 मिलियन बेल्स का कम हो रहा है, बट यहाँ पे जो कट आया वियतनाम टर्की कुछ लोकेटेड रीजन्स में, अगर हम ग्लोबल टर्म्स में अगर इंडियन डिमांड को अगर मानते हैं तो इंडिया का जो मैक्सिमम डिमांड होगा 56% ऑफ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो यूएस के तरफ से जाता है, तो 56% का शेयर रहता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में चाइना भी एक मेजर रोल प्ले करता है, तो इन दोनों का जो डायनेमिक्स होता है ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा ओवरऑल बैलेंस शीट एनालिसिस में। तो हम आगे चल के देखेंगे, जब हम बैलेंस शीट की एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या क्या फैक्टर्स थे बैलेंस शीट के अंदर में जो कि प्राइस मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो इनिशियली जो हमारे इंडियन अराइवल्स की बात करें, इंडियन अराइवल्स जिस तरह से मार्केट देख रहा है तो ऑलमोस्ट टोटल लेवल्स पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम साइज में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है। और इस बार जो दिसंबर मंथ का जो फिगर है कंपेयर टू लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पर चल रहा है, बट डिमांड की जो स्लो डाउन है वो आपको आगे चल के दिखाई देती हुई दिखेगी। और हम बैलेंस शीट एनालिसिस की बात करते हैं, ग्लोबल बैलेंस शीट्स में सबसे बड़ा चीज़ अगर फैक्टर देखते हैं अगर सम टोटल में, तो हम स्टॉक टू यूज रेशियो की हम बात कर लेते हैं, स्टॉक टू यूज रेशियो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स जिस हिसाब से हमारे पास स्टॉक है और जो यूसेज का जो लेवल है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, दैट मीन्स देर इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन इन द यूसेज ऑफ द कॉटन। जो स्टॉक्स हमारे पास है कैरी फॉरवर्ड हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी इसी कारण से हो रहा है क्योंकि हमारा स्टॉक टू यूज जो डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है, तो इसके कारण से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। और इसके अलावा जो रिसेशन का जो फियर्स बने हुए थे इसके कारण से भी जो ओवरऑल कंजम्पशन का जो लेवल्स है वो डाउन हो रहे हैं। इंडियन लेवल्स पे अगर हम इंडियन सिनेरियो में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो स्टॉक टू यू रेशियो है वो नेगेटिव साइड में ही दिखा रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, 47 के आसपास थोड़ा डिक्लाइन आता है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन या इंडिया में हम बात कर रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो ओवरऑल उनका जो डिमांड कंज्यूमिंग का जो नेचर है वो स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, इसका जो इम्पैक्ट आपको प्राइस में भी दिख रहा है, डिस्पाइट बुलिश फैक्टर्स और डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन इंक्रीज इन द तो डिमांड नहीं होने के कारण से प्राइजेस अभी भी नीचे की ओर ही प्रेशर मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। और ये हमारे सीसीआई के तरफ से बैलेंस शीट का लेवल ये हुआ था। लास्ट ये स्लाइड जो हम आपको इंपॉर्टेंटली दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने देखा था स्टॉक टू यूज रेशियो का एनालिसिस करने की कोशिश की है, कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स का रेशियो देखेगा तो यहाँ पे जो डिमांड का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट बना हुआ, 34 से 37 का डिमांड हमारा इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ का। अगर सिंपली ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में अगर हम देखेंगे तो अपना डिमांड जो है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट बना हुआ है, सेम लेवल पे मेंटेन करके चल रहा है, बट जहाँ तक स्टॉक टू यूज रेशियो का है चाइना का एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है 19 में जहाँ पे ये 104 के आसपास था, दैट मीन उनका जो स्टॉक के कंपेरिजन में यूसेज ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हम 19 सीरियस डिक्लाइन इन द स्टॉक टू यूज रेशियो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सेम कंडीशन आपको वर्ल्ड लेवल पे भी दिख रहा है। तो मेजरली अगर हम कॉटन की बात करते हैं इंडियन डायनेमिक्स पे कंपेयर करते हुए तो चाइना, यूएसए और वर्ल्ड लेवल ये तीन मेजर कंपोनेंट्स को हम देखना, यहाँ तीनों लेवल्स हम देखेंगे कि आपको ओवरऑल जो स्टॉक टू यूज रेशियो का जो सीनरी है वो
वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रहा है, दैट मीन्स कंजम्पशन अभी भी हमको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा कंपेयर टू द स्टॉक्स। ये एरिया प्रोडक्शन का जो हम सिनेरियो देख रहे थे और प्राइस कंपेयर कर रहे थे, कंपेरिजन हम देख रहे हैं कि प्राइजेज और प्रोडक्शन जो हमारा है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट लेवल पे चल रहा है। लास्ट ईयर जब हमने 31.8 मिलियन बेल्स के आसपास प्रोडक्शन किया था, इस बार हम 29.4 कर रहे हैं। डिस्पाइट कम प्रोडक्शन हमारा जो प्राइजेज है अभी भी वो नीचे की ओर प्रेशर कर रहा है। कारण ये है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बेसिकली जो हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या फिर अदर इंडस्ट्री सेक्शन से, वहाँ से डिमांड कम आ रही है, इसकी वजह से प्राइस में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन अभी और आगे हम एनालाइज करेंगे प्राइस मूवमेंट्स। तो अब प्रोडक्शन साइड में अगर हम बात करते हैं तो एरिया प्रोडक्शन यील्ड की कंपैरिजन, तो यहाँ पर हम यील्ड का एक स्पेसिफिकली हमने ग्राफ बना कर देखा। तो यहाँ पर कोशिश करने की कोशिश की यील्ड हमारा किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो अगर कंपेयर टू लास्ट 5 to 10 ईयर्स की हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट यील्ड का जो ट्रेंड है कंटिन्यूस ऑन डाउन साइड ही चल रहा है। अगर 13-14 की हम बात करते हैं तो हम लोग 560 kgs के आसपास हम प्रोड्यूस करते थे पर हेक्टर, बट अभी हम 470s के आसपास में आ रहे हैं, 429 के आसपास ये लेवल्स आ गए हैं। इसी के कारण से गवर्नमेंट ने अभी जब रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉर द हाई वैरायटी सो दैट उनका यील्ड जो है बढ़ के आए। और उन्होंने पायलट स्टडी का जो रिजल्ट अभी हो जाया तो शायद मार्च तक आएगा, बट उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो हम लोग जो यील्ड है 530 से 540 के बीच में वो करने के आ रहे हैं। तो उनका जो पायलट स्टडी है इनकेस अगर दे हैव कंडक्टेड इन 10 स्टेट्स, 10 स्टेट्स का अगर पायलट स्टडी ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम देखेंगे कि इसको जब ग्राउंड पे लेके जाएंगे तो रियलिटी थोड़ा सी चेंज होती हुई दिखाएगा और कॉटन प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते हुए देखेंगे आने वाले सालों में। कुछ अगर वेदर की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। नॉर्मली इसको हम लोग इनिशियली पहले बहुत सीरियसली ले लेते थे, बट अभी के सिनेरियो में ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। जब से एलिनो का जो फियर हमने देखा है, हम लोग लास्ट अप्रैल इस अप्रैल से ही बात कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह के एलिनो का पूरा फेज जो है ऑलमोस्ट 18 मंथ का फेज होता है। तो 18 मंथ्स में अगर हम बात करें तो अभी जस्ट है अराउंड 8 to 9 मंथ्स गया हुआ है और अगला 9 मंथ्स अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो आने वाला जो मानसून है हमारा जून 2024 वहाँ तक मार्केट जो सीनारी है एलिनो का इम्पैक्ट जो हमको मार्केट में दिखेगा। और जब हम जून की बात करते हैं तो हमारे जो अप्रैल मई जून ये 3 महीना जो है ऑलमोस्ट मानसून का इनिशिएशन फेज होता है। जो वो इम्पैक्ट अगर होता है तो हम एक ड्रॉट की ओर देख सकते हैं। तो अगर इनकेस 2024 में हमारा ड्रॉट सीनारी होगा तो कॉटन के क्रॉप में ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसको हम थोड़ा सा बेसिकली एनालाइज करते हैं। लास्ट ईयर का मानसून भी हमने देखा था किस तरह से बिहेव करता हुआ दिखाया। तो हमारा जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था हमारा जो मानसून का, तो हमने देखा था कि जून में ऑलमोस्ट ड्राई फेज चला गया था, जुलाई में एक अच्छी खासी रेन्स हुई थी, बट अगस्त फिर से रिकॉर्ड ब्रेक पे आया था और यहाँ पे ब्रेक आया था। लास्ट अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 6% के डिक्लाइन पे हमने मानसून पूरा सीजन को एंड किया था। और पोस्ट मानसून रेंज की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ड्राई फेज हर जगह देखने को मिल रहा है। और ये जो फेज हमारा देख रहा है ये जो ऑलमोस्ट येलो बेल्ट देख रहा है यहाँ पे डेफिशिएंट जोन्स बन रहे हैं और ये हमारा मेनली कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है। तो यहाँ पे डेफिशिएंट रेन की वजह से भी आपके कॉटन के यील्ड में एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। हमको कुछ रीजन्स में बता रहे हैं यहाँ पे जैसे पंजाब हरियाणा यहाँ पे कुछ नॉर्मल रेंज हुए थे और ये रीजन्स में आपको थोड़ा सा हैवी रेंज देखने को मिले थे। बट हैवी रेंस भी हुए थे बट वो लोकलाइज थे, कुछ टाइम फिक्स थे, मैंने वाइड स्प्रेड आउट नहीं था। जिस तरह आगे के डिविशन में देखेंगे यहाँ पे हम डिविशन की बात करते हैं, जैसे बोल रहे थे कि वाइड स्प्रेड रेंस नहीं है, एक वीक में काफ़ी हैवी रेंस हो गया, बाकी पूरा ऑलमोस्ट ड्राई टू नेगेटिव होता चला गया। तो इस कारण से ये जो एक हैवी स्लॉट होता है तो वहाँ पे कॉटन क्रॉप को फायदे की जगह पे थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉशआउट का ड्रेन होगा, हेवी ड्रेनेज की फैसिलिटीज कम आएगी, तो उसके कारण से क्रॉप सॉइल रिटेन नहीं करती और क्रॉप में बीटिंग डाउन इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। इसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा था वहाँ पे। सिमिलर कंडीशन अगर हम बात करते हैं सदर्न लास्ट वीक जैसा हमारे सेप्टेम्बर में काफ़ी हेवी रेन्स हुए थे वेस्टर्न राजस्थान में, हम देखेंगे ऑलमोस्ट 13.75 सेंटीमीटर्स के आसपास का रेन हुआ था एक वीक के अंदर में, जो कि काफ़ी हैवी है। तो ये बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की जगह पे वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड रहा। इसकी वजह से भी नॉर्थ इंडिया में हम जो सर हम बात कर रहे हैं कि अराउंड 15 to 20% का जो डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन का, उसकी वजह इसका मेजर कारण ये भी हम कह सकते हैं इसके लिए। और अभी का जो फेज हम देख रहे हैं सदर्न इंडिया में अगर तेलंगाना और ये बेल्ट में भी देखें तो अभी लास्ट वीक में हमारे काफ़ी ज़्यादा रेन्स हुए थे, इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई। अभी एग्जैक्ट असेसमेंट बेसिकली कितना लॉस हुआ फॉर विद द रिसेंट रेन्स वो आता हुआ नहीं दिख रहा, बट यहाँ जो आप देखेंगे ओवरऑल जो डेफिजिट फेज राइट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स से लेके अभी तक दिसंबर नवंबर एंड तक का जो फेज था हमने ऑलमोस्ट डेफिसिट रेंज में येलो आपको पूरा डेफिसिट और यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव जीरो रेंज। इस तरह के इम्पैक्ट में कॉटन क्रॉप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन से रहा था, यहाँ भी इसलिए हम प्रॉपर यील्ड की एक्सपेक्टेशन है जो नॉर्मल यील्ड की एक्सपेक्टेशन है वो हम नहीं कर सकते हैं।
ओवरऑल सेंटिमेंट्स हमारे क्रॉप साइड में डाउन साइड के ही रहेंगे। तो जो हम लोग जो अभी इनिशियली जो हम लोगों ने अभी जो एस्टिमेट दिया है 29.4 मिलियन बेल्स का जो एस्टिमेट दिया है, हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 दिन के में जब दोबारा से एस्टिमेट की जाए तो ये फिर से और कम हो जाए। इट मे कम डाउन टू अराउंड 28 और 27.5, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कपास के अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में अगर प्राइस ट्रेंड की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्टिव फैक्टर बन सकता है, एटलीस्ट इन द इंडियन सीनारियो में प्राइजेस को पुशअप होता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। और हम बात करते हैं ओवरऑल गोल्ड गोल्ड इंडेक्स की, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी कि चाइना में जिस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं और जो वर्ल्ड लेवल्स की जो स्टॉक लेवल्स हैं यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिला था। बिल्कुल 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 हाँ जी। तो अगर हम लोग ग्लोबल कॉटन की अगर बात करें तो एक रिसेंट अपडेट आया था, दो चीज इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहूंगा। पहला है कल भी हमने देखा IMD से जो स्टेटमेंट था वहां पे बताया जा रहा है कि जो एलनीनो का इंपैक्ट है वो मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू दिखाई देगा और जो समर्स है वो और ज्यादा हीट होंगे, जिसकी वजह से कंसर्न्स काफी बने हुए हैं प्रोडक्शन को लेकर। और ये चिंता है कि इंडिया में भी अगर हम देखें तो इलेक्शन पीरियड भी है और साथ में यील्ड में अगर ड्रॉप होता है उसका इंपैक्ट होगा। रिसेंटली एक अपडेट ये भी आया था जहाँ पे ग्लोबल कॉटन रिजर्व एक्सपेक्टेड टू रीच हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड बाय ICAC, ये रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी जिसके चलते दो तीन चीज आप समझ के चलिए। एक के रिकॉर्ड हाई लेवल पे रिजर्व्स है, दूसरी चीज डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड बिल्कुल नहीं होने की वजह से ये रिजर्व्स हाई पे है। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि कंटिन्यू कंजम्पशन चलता है। आज इंडिया में आई थिंक थिंग्स आर बीन वेरी गुड एज कम्पेयर टू US, यूरोप, चाइना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो डिमांड को लेकर जो कंसर्न है वो सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ग्लोबल स्टॉक टू यूज रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1, जो अब तक का मैं बोल सकता हूँ कि हाई दिखा रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने जो प्राइस प्रोजेक्शन दिया है तो सेक्टोरियल प्राइस प्रोजेक्शन रेंज जो दे रखा है इन्होंने वो बता रखा है कि रेंज है 72.33 जो ऑलरेडी देखा है, हायर साइड पे 104 मिड पॉइंट ऑफ 86। तो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि बार बार में प्राइजेस जंप जरूर कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, एक रेंज में ही है। ये एज पर जो हमने कॉटलुक के इंडेक्स के हिसाब से भी अगर हम देखें तो रेंज बता रखा है। बट कुल मिलाकर स्लोली एंड स्टेडली सप्लाई साइड कंसर्न्स है, डिमांड अगर इंप्रूव भी होती है जो कैरियर स्टॉक्स है वो भी कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है अगले साल की, क्योंकि जब अगर यील्ड में ड्रॉप है अगले साल भी इसका इंपैक्ट रहेगा तो इंपैक्ट बड़ा रहेगा प्राइस पे। और अभी भी जो कमोडिटी की सुपर साइकिल है वो चली हुई है जिसका एक तो क्विकली हम आ जाते हैं सीजनलिटी पे। सीजनलिटी पे सबसे पहले कॉटन की सीजनलिटी अगर हम देखते हैं तो ये हमें बताता है कि देखो नवंबर मंथ में हमने लगभग प्राइजेस के अंदर स्पॉट कॉटन में हमने देखा कि 2.5% की गिरावट थी क्योंकि अराइवल प्रेशर। क्योंकि अक्टूबर आप देखिए, अक्टूबर में हमेशा हम गिरावट ही देखते हैं, पिछले साल भी लगभग 8% की गिरावट थी, इस बार हमने 5% की गिरावट देखी है, नवंबर में भी गिरावट देखी। लेकिन दिसंबर मंथ पिछले साल को अगर छोड़ दे तो लगभग हम देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव है। तो सीजनलिटी जो NCDX कॉटन स्पॉट है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिसंबर में और जनवरी फरवरी में एक पॉजिटिव मूव बनता है, तो उसके हिसाब से भी लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो अगस्त में मैंने एक सेशन लिया था जहां पे हमने बताया था कि जो 2300 का लो मारा है यहां से मार्केट में एक बड़ा उछाल आना चाहिए, तो वो उछाल आया और हमने लगभग 2800 के करीब देखा। फिर उम्मीद थी सितंबर की सीजनलिटी देखिए, ज्यादा करके लोग बोलते हैं कि सीजनलिटी काम नहीं करती, बट आप देखिए सितंबर का एक साल 2014 से लेकर अभी तक 9 साल का ये डेटा, एक साल भी हरे में बंद नहीं हुआ है। सितंबर में जैसे उम्मीद थी वैसे ही मार्केट में 1.5% की गिरावट थी, बट हाँ जो हमारी उम्मीद थी कि वापस 2600 के आसपास का बेस बनेगा, लेकिन प्राइजेस 2650 2680 के आसपास का बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। और अक्टूबर में आप 6% की तेजी और नवंबर में करीबन 3% की तेजी के साथ लगभग 3000 का लेवल दिखा दिया है। जब मैंने अगस्त में सेशन लिया था तब हमने कहा भी था कि 3000 तक का मैक्सिमम लेवल दिखेगा, बट उसके लिए काफी चीजें आनी है, बट अब आ चुकी है। दिसंबर की सीजनलिटी देखते हैं तो 2021 में 13%, 2022 के अंदर 8%, तो 2023 की अगर बात करूं तो एवरेज हमने अब तक का देखा है कि 7% की तेजी, और अभी हम देख भी रहे कि प्राइजेस ना 2900 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है ना 3000 के ऊपर। तो आई थिंक एक रेंज ब्रेकआउट की बहुत जरूरत है दिसंबर में। अगर हम 3000 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोज करते हैं तो टेक्निकली जो लेवल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने 2 साल पहले तेजी देखी थी तो प्राइजेस ने जनवरी मंथ में हमने हाई लगते हुए देखा था, जब हमने 3400 के भी हाई 2022 के
स्टार्टिंग में ही आते हुए देखा था। तो टाइमिंग दिसंबर मंथ काफी क्रुशियल होने वाला है, जिसके ऊपर आपको नजर रखना। अब हम देखते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल के अंदर सबसे पहले आइस कॉटन की अगर बात करें, तो हमने अगस्त में भी कहा था कि प्राइसेस में तेजी बनेगी, लेकिन उसके लिए हमें 90 सेंट का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बार बार में 90 सेंट के करीब जाता था। इवन हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बार बार में 90 सेंट के करीब गए, बट सस्टेन नहीं किया। अराइवल का प्रेशर, डिमांड नहीं होने की वजह से हमने अक्टूबर में प्राइसेस में गिरावट आती हुई देखी, और लगभग 74 सेंट के आसपास भी भाव को आते हुए देखा, और इस वक्त नियर बाय 80 सेंट के करीब हम भाव को देख रहे हैं। तो पहला चीज तो क्लियर है कि मार्केट पिछले साल अक्टूबर में हमने देखा था कि 90 के नीचे था और 70 के ऊपर था, वही रेंज अब तक कंटिन्यू चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब पहला चीज है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 70 सेंट का लेवल तोड़कर 50 सेंट तक जा सकता है? जा सकता है टेक्निकली, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्ट्रांग न्यूज चाहिए। पहला, डिमांड नहीं है, तो अभी भी डिमांड नहीं है। सप्लाई हमारे पास भरपूर होनी चाहिए, तो सप्लाई एज ऑफ नाउ कैरियर स्टॉक है, बट आगे जाकर हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड कंसर्न्स रहेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस ना नीचे जा पा रहा है। और जो मैं ये 76-77 सेंट की बात कर रहा हूँ, आप देखिए 2023 के अंदर अप्रैल में भी ये लेवल छुआ और फिर रिकवर कर गया। स्लोली एंड स्टडीली ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अब मुझे लगता है कि आगे जाके जो वेदर के लेके जो कंसर्न्स बताए हैं हनी जी ने भी, हाँ डिमांड एज ऑफ नाउ नहीं, बट बांग्लादेश से अगर हम देखें तो रिन्यू डिमांड निकली है मार्केट में, और जिस ढंग से फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड ये रेट कट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ये रेट कट के अनाउंसमेंट के बाद होना चालू हो जाएगा, ये एक बार ग्लोबल मार्केट में डिमांड का इंप्रूवमेंट लाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जैसे से रेट कट होगी मार्केट में, हम देखते हैं डिमांड इंप्रूवमेंट आता है, तो हो सकता है मार्केट में अभी दिसंबर मंथ थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, बट जनवरी मंथ से, क्योंकि वॉलिटिटी आप देखिए, वॉलिटिटी स्टार्ट होने की संकेत दे चुके हैं मार्केट में, वॉलिटिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ट्रेंड एज ऑफ नाउ साइडवे है, तो नई बड़ी तेजी के लिए 90 सेंट का लेवल तोड़ने पे ही हम 102, 113 ये वाले लेवल देखेंगे, बट टाइम लगेगा। बट एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं 90 का लेवल तोड़ता है तो 94-97 का जोन है, बट कुल मिला के 102 की तैयारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले 90 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, जो 200 मूविंग एवरेज भी बनता है। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 72-73 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहा है, पिछले 1 साल से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है। वहीं राजकोट कॉटन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी का रिफ्लेक्शन, जो हमने इंटरनेशनल में देखा उसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कि हम पिछले साल नवंबर ऑनवर्स प्राइसेस 30 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ना ही नीचे में 25 के नीचे से जा पा रहा है, एकदम कंसोलिडेशन जोन में। इस वक्त प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने प्राइसेस में जो साइडवे टू नेगेटिव देखा, वो अराइवल प्रेशर के चलते आते हुए देखा, क्योंकि पिछले साल फार्मर ने सीजन के टाइम पे माल लाया नहीं था, उसके बाद हमने प्रेशर पड़ते हुए देखा था मार्च, अप्रैल, मई में, जिसकी वजह से भाव में गिरावट आई थी। तो इस बार फार्मर कोई चांस लेना नहीं चाहता था, जिसके चलते हमने अराइवल प्रेशर कंटिन्यू मार्केट में बनते हुए देखा है, और डिमांड अभी भी नहीं है, मिल्स खाली पड़ी हुई है, जिसके चलते प्राइसेस में कंटिन्यू एक नेगेटिव मूव बनता हुआ ही दिखाई दिया है। तो टेक्निकली एक बार 28-200, 28-300 के ऊपर अगर रिकवर कर जाता है मार्केट, तो पॉजिटिवनेस बनता है। तो टेक्निकली और एक टाइम फिबो के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो करीबन 12 दिसंबर के आसपास से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखना चाहिए। टिल देन मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। हाँ, एटलीस्ट ये बोल सकता है, अगर आपको बाय नहीं करना है कॉटन में, तो वेट कर लीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये लेवल शॉर्ट के नहीं, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद जो मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए वो पूरी तरह से मिल रहा है, और वेदर डिस्टर्बेंस और आगे जाके जो पैरिटी इंप्रूव होती है, तो प्राइजेस को इसका बेनिफिट मिलेगा। कपास में भी अगर हम देखते हैं, तो कपास के अंदर हमने जून जुलाई में एक लो लगते हुए देखा था 1460 का, जिसके बाद मार्केट में रिकवर होकर 1640-50 तक का जंप दिखाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो वीकली चार्ट पे देखें तो करंटली प्राइसेस 250 मूविंग एवरेज के नीचे और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक कोई भी कमोडिटी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, तो ट्रेंड तेजी बताता है। इससे पहले भी जुलाई में हमने देखा 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट उठ गया था, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन है। बीच में जो ड्रॉप आया था अक्टूबर में, वो अराइवल प्रेशर के चलते बना था, बट अब धीरे धीरे प्राइसेस स्टेबल हो, क्योंकि इंचुमी को क्लाउड श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। तो 1640 के ऊपर निकले तो हम एक नई तेजी देख पाए प्राइसेस के अंदर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट भी बना हुआ है फॉलिंग चैनल का। बट कुल मिला के मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बेटर है कि आप वेट एंड वॉच ही रखो। हाँ, एक बार प्राइसेस में थोड़ा भी बाउंस आता है, पार्टिसिपेशन आता है, तो डेफिनेटली मूवमेंट तो बहुत स्ट्रांग होगा। लास्ट अगर हम कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें,
तो यहाँ पे भी आप देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल 2022 से, कि 2022 के जनवरी में हमने देखा था 3460 का हाई लगते हुए देखा था, और वहां से मार्केट में जो गिरावट आई वो हमने करीबन 2220 का लेवल देखा था, जो अक्टूबर 2022 में ही दिखाई दिया। अक्टूबर 2022 के बाद मार्केट में फिर से एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है, जो हायर साइड के ऊपर हमने लगभग 3200 तक का लेवल बनते हुए देखा। 3200 के लेवल से मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाई है, जो 2300 का लो हमने 1 अगस्त को बनते हुए देखा, और यहां से मार्केट में रिकवरी बनी है, जो 3000 का लेवल छू चुका है। तो करंटली अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर इचिमिको क्लाउड के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी जो बड़ी रैली आई उसके बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बट कुल मिलाकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलिटिटी। यहाँ पे आप देखिए ये जो चॉप इंडिकेटर, ये जब भी नीचे आता है, देखिए यहाँ पे भी नीचे आया तो कैंडल बड़ी बन गई, यहाँ पे भी आप देखिए मार्केट ये नीचे आया और नीचे आते ही मार्केट में बड़ा फॉल आ गया। तो जब भी ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आता है तो हम ज्यादा करके देखते हैं मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आता है। तो अगले 2 महीने की बात करें, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो अगले 2 महीने की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के अंदर एक बड़ा मोमेंटम हम आते हुए देख पाएंगे, जिसका मानना है कि हम एक ब्रॉडर रेंज, मतलब 400-500 पॉइंट तक की भी एक रेंज मार्केट में बनते हुए दिख सकती है। इचिमिको क्लाउड रेड में है, लेकिन ग्रीन बनना चालू हो चुका है, क्योंकि प्राइस कंफर्टेबली पिछले 4 हफ्तों से, मतलब लगभग 1 महीने से की लेवल्स के ऊपर, मतलब 2700 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी भी बढ़ा नहीं है, बट आने टाइम पे बढ़ेगा। वोर्टेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अगस्त में ही पॉजिटिव बन चुका था जब हमने बताया था, और अभी भी ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है कि 3020 3040 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाता है प्राइस, तो इमीडिएट टारगेट अगर हम देखें तो 78.6 का रहेगा, जो लगभग 3200 के आसपास का है। हाँ, 3200 के बाद हम एक बार रिव्यू वापस करेंगे, क्योंकि 2023 में भी हमने देखा था कि 3200 का हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आया था। डिमांड कैसी रहेगी, सप्लाई कैसी रहेगी, अगर प्राइस 3200 को झेल जाता है, होल्ड कर जाता है, तो डेफिनेटली हम 3400 की तरफ भी जाएंगे, अदरवाइज 3200 3250 तक का एटलीस्ट एक बैर मिनिमम लेवल बना के चलिए। डाउन साइड रेस्ट्रिक्शन काफी है, क्योंकि अदर कमोडिटीज, गवार को छोड़कर अदर कमोडिटीज में जैसे सोयाबीन है, इनमें भी हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी एक अच्छी खासी तेजी देखी, जिसका एक सपोर्ट कॉटन सीड ऑयल के को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो धीरे धीरे मुझे लगता है टेक्निकल स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वॉलिटिलिटी आनी है, खाली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, वो बढ़ना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर पॉजिटिव बता रहा है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पा रहा है, एक बार ये ट्रेंड लाइन मतलब 3000 के ऊपर निकलता है प्राइजेस, तो हम डेफिनेटली 3200 तक का लेवल देख पाएंगे। कंक्लूजन अगर हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म में इंडिया का जो कॉटन में रिडक्शन आया है और ग्लोबल प्रोडक्शन में डिक्लाइन है, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट हमने रिसेंटली देखा है कि फॉल नहीं आ रहा है एटलीस्ट, लेकिन हाँ ओल्ड स्टॉक अभी भी बना हुआ है, डिमांड नहीं। अगर डिमांड में इंप्रूवमेंट आता भी है, उसके लिए इकोनॉमी में स्टिमुलस आना बहुत जरूरी है। चाइना ने देना चालू कर चुका है, सप्लाई चेन जो डिस्टरबेंस हुआ था वो भी अभी भी मेंटेन है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी एफर्ट्स है ये अगर निकलता है तो मीडियम टर्म में हम देखेंगे प्राइसेस में एक अच्छा खासा गेंस रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान रखना है एलनीनो, क्योंकि अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ कंज्यूमर डिमांड में हमने डिक्लाइन देखी है, बट अब ऑलमोस्ट सभी जगह डिक्लाइन हमने देख चुका है। धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो स्लोली एंड स्टेडीली पॉजिटिव मूव करता है, तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। अगर रेंज की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट जो रहेगा आइस कॉटन पे वो 72 है, जो अभी हमने आपको बताया, तो 72-73 के नीचे एज ऑफ नाउ कहीं भी एंगल से ऐसा लग रहा नहीं कि टूटता हुआ दिखाई दे। हायर साइड पे अगर हम देखते हैं तो 82 का, अभी हम कंसोलिडेशन में बात करें तो 82 का रेंज अगर टूट जाता है तो 90 का इमीडिएट हर्डल है, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 98 सेंट तक का लेवल हम एग्रेसिवली मानकर चल सकते हैं, जो मिड ऑफ जनवरी तक हमें देखने मिल सकता है। वहीं एनसीडीएक्स कॉटन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 25-25.5 के बीच में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हायर साइड पे हम 28-29 की रेंज में भी प्राइजेस को जाते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइजेस ने रिसेंटली
एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, तो एक अच्छा ट्रेंड सपोर्ट जो रहेगा वो 2760 का रहेगा, मतलब मोटा मोटी 28 का लेवल पकड़ लो, 2750 से 2800 का। इसके नीचे कॉटन सीड ऑयल के एज ऑफ नाउ कोई भी एंगल से जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रिसेंटली हमने 3000 के ऊपर गया, बट फिजिकल मार्केट में कोई मेजर डिमांड नहीं थी जिसकी वजह से प्राइजेस वापस 2300 तक आ चुका था, बट आई थिंक के 2750 2800 इज गुड टू बाय। इमीडिएट टारगेट जो है वो हम लोग पकड़ के चलते हैं जनवरी एंड तक का, वो हम 3200 3250 का लेवल देख रहे हैं। वहां पे जाकर हम एक बार वापस रिव्यू करते हैं और सपोर्टिंग चीज दिखती है तो ही 3350 का लेवल है। बट कुल मिला के सभी एग्री में पहले हाफ में मुझे तेजी इसलिए लग रही है क्योंकि वेदर कंसर्न काफी है, क्योंकि एलिनो का इम्पैक्ट है वो मार्च अप्रैल तक दिखेगा और उसी की वजह से बरसात भी अगले साल इम्पैक्ट करेगी, तो ये जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है अगले साल भी चलेगा। एंड लास्ट अगर एनसीडीएक्स कपास की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1520 से लेकर 1620 का ब्रॉडर रेंज मार्केट में बना हुआ है, प्राइजेस साइडवे टू पॉजिटिव। खाली सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा वो डिमांड का है, जो मुझे लगता है जैसे 32 लाख 35 लाख सादिया है उसके बाद कैरी पोजीशन निकल जाती है तो मार्केट में धीरे धीरे पाइपलाइन एम्प्टी रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो आज के इस सेशन में हमने सबसे पहले एक ओवरव्यू देखा एनसीडीएक्स से कि नए नए क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, फिर हमने टैली से हमने देखा, संदीप जी ने बताया कुछ डैशबोर्ड होने की जरूरत है जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा बिजनेस कैसे मूव कर रहा है। सुधीर जी ने काफी अच्छी फिजिकल के बारे में बताया कि मानसून की वजह से या डिमांड क्यों इम्पैक्ट हो रही है। देन हनी जी ने काफी अच्छे से फंडामेंटल्स के ओवरव्यू बताया, खास करके जो बैलेंस शीट और स्टॉक टू यूज रेशियो की जो हमने बात की थी उसके ऊपर नजर रखी है, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारा सप्लाई साइड भी कम है तो डिमांड भी कम है, लेकिन अगर यही चीज आप 5-7 साल के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो सप्लाई तो ठीक है कम हो रही है बट डिमांड में काफी इंप्रूवमेंट आना चाहिए था। बट पिछले 1 साल से हम देखें रिसेशन का जो फियर बना हुआ है मार्केट में, जो प्राइजेस पे मतलब हावी हो रहा था, बट 80 सेंट के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो पॉजिटिव है, 90 के ऊपर ही ब्रेकआउट दिखेगा जो टेक्निकली में मैंने बताया। ये सीजनैलिटी भी बता रहा है कि दिसंबर जनवरी फरवरी तेजी का है चाहे कॉटन हो कॉटन सीड ऑयल के को, तो टेक्निकली भी हमने देखा कि 90 सेंट के ऊपर 98 का लेवल, बट कॉटन सीड ऑयल का आई थिंक 2800 का एक अच्छा बेस बन चुका है। स्लोली एंड स्टेडी लेके चलिए, 3000 के ऊपर होल्ड होने पे हम 3200 3240 तक का लेवल जनवरी एंड तक देख पाएंगे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। इनकेस अगर कुछ क्वेरीज है अमित प्लीज टेक के यूट्यूब पे अगर कुछ क्वेरी तो हम लोग लेंगे। एंड लास्ट सुधीर जी अगर आपको कुछ अपडेट डालना है तो मोस्ट वेलकम सर, नहीं तो 2-3 सवाल लेकर हम ये सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद केड़िया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ ही संदीप येदुलकर जी को भी जोड़ा, सीडेस कैशे अजय शर्मा जी को भी जोड़ा, डॉक्टर हरीश साहने जी ने भी काफी अच्छी जानकारी दी। आप काफी अच्छा प्रोग्राम करते रहते हैं, मेरे को लगता है कि इस बार काफी टाइम लगा लिया आपको, हर एक या 2 महीने इस टाइप के प्रोग्राम करते रहना चाहिए। काफी डिमांड रहती है आपकी, हर समय जैसा भी यूट्यूब पे भी देख रहा था, काफी डिमांड रहती है और लोग काफी फॉलो करते हैं आपको। हमारे जैसे मेरे भी 8-10 व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी लोग कहते रहते हैं, काफी इस बार बहुत टाइम हो गया तो डिमांड थी कि यार अजय केड़िया जी को बुलाइए, जिससे कि क्योंकि लोग इस साल बहुत ज्यादा परेशान है। कारण क्या है, इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है और इंडस्ट्रीज की आवक बढ़ नहीं पा रही है, लोगों को पैरिटी नहीं है, टोटल इंडस्ट्रीज बड़ी कॉटन की क्रॉप को नहीं, इस साल 2-3 सालों से क्या हो गया कि जितनी आशा करते हैं और इंडस्ट्रीज काफी प्रॉब्लम में है। जैसे 2 साल पहले भी इंडस्ट्रीज अपना धागा इंडस्ट्रीज भी काफी लग गई, और सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों ने सब्सिडी वगैरह के कारण क्या है, जो प्रोडक्शन है अपन अपना बढ़ नहीं पा रहा है 300 300 350 300 लाख गार्ड से, और जबकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो या स्पिनिंग इंडस्ट्रीज हो, ऑयल इंडस्ट्रीज हो, जिनिंग इंडस्ट्रीज हो, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपनी इंडस्ट्रीज पर पड़ा है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा ली। जो आज से 2 साल पहले जो एक्सपेलर की कीमत ऑन में मिल रहे थे, 6 6 महीने की वेटिंग थी, आज एक्सपेलर की कीमत हालत ये हो गई कि लोग इंडस्ट्रीज वाले एक्सपेलर वाले भी फ्री में बैठे हुए हैं, और दूसरी बात पुरानी इंडस्ट्रीज काफी बिक्री है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज सर्वे करें उसके बाद इंडस्ट्रीज डालें, जबकि आदमी जब पेनल्टी रहती है तो इंडस्ट्रीज नई नई इंडस्ट्री डाल देता है और उसमें मशीन वालों का भला हो जाता है और इंडस्ट्रीज काफी दिक्कत में आ जाती है। तो मैं आपसे निवेदन है कि हर 1-1.5 महीने में ये प्रोग्राम करते रहिए, जिससे कि लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।
आप 1.5 महीने बोल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा हर मंथ एक शेड्यूल करके। एटलीस्ट देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मार्केट क्या होने वाला है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी जानकारी अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर सबको मिलती है, टेक्निकल फंडामेंटल सीजनैलिटी, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है इंडस्ट्री के वीसी पीस को। अमित, इनकेस अगर कुछ क्वेरीज है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज विल एंड एट 12:30। सर मोस्टली सबकी क्वेरी प्राइस रिलेटेड ही है जो हमने लास्ट में कवर किया है, और अदर क्वेरीज तो कुछ है नहीं। बाकी कमोडिटीज़ पे हैं तो वो हम आने वाले समय में एक एक वेबिनार लाते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है, आप एक लिंक और डाल दीजिए, तो इनके अगर किसी की कुछ क्वेरीज रहेगी तो वो लिंक के द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस वी एंड दिस हर्षल सर सेशन। का, हर्षल गुप्ता जी का क्वेरी है। हर्षल जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड अजय केडिया आफ्टरनून। जी, मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सेमिनार लेते हैं तो जो हमारा कॉटन सीड ऑयल केक वाला सेक्टर है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉटन वॉश ऑयल। तो इस पे भी आप अगर बाकी जैसे सोया ऑयल वगैरह के साथ अगर टच करें तो हमें यानी फ्यूचर आउटलुक बनाने में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो यू मीन टू सो अगर मैं इसके साथ ले या ऑयल सीड के अंदर ऐड कर दूं नहीं कॉटन वॉश ऑयल? सर, नहीं सर, इसी के साथ लीजिए ना, कॉटन सीड का ये जो आज का हमारा वेबिनियर था पूरा यान से लेकर तो केक तक का, इसी के साथ आप ऑयल जो है हम उसके लिए एक यानी तो मेरे साथ सेक्शन डॉक्टर अगर इसी आप में जोड़ ऑयल लीजिए। सीड भी, मैं उनको मैं नोट करवा देता हूँ कि कॉटन वॉश को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो एक कंप्लीट चैन बन जाएगा। क्योंकि जब हम कॉटन ले रहे हैं, सीड ले रहे हैं, तो ये भी अगर आ जाएगा तो डेफिनेटली। मैं थैंक यू, आपने लास्ट टाइम भी बोला, मुझे ध्यान है यस बट थोड़ा डेटा लैग कर जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा सुधीर जी से कि डेटा अगर जैसा भी और हम लोग लेकर उसमें जानकारी लेकर वॉश ऑयल। नेक्स्ट टाइम हम लोग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में फिर से मिलेंगे, तो हम लोग एक अगले साल के लिए 2024 के लिए कैसे तैयारी करनी है उसमें मैं कॉटन वॉश ऑयल भी डेफिनेटली ऐड करूंगा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। और किसी का कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ अपना हैंड रेस कर दीजिए, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। वी आर ओपन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। ओके, दैट्स 12:30। अमित, वी कैन वाइंड अप, इन केस कुछ क्वेरीज है तो हम लोग लिंक से डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, वी आर एंडिंग अवर